Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu rasuluhu amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وقال تعالى في كلامه المجيد من قبلكم لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اوكي मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स किया था, हम रमदान और रोजों के सारे मसाइल इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। और बहुत सारे लोग ये टॉपिक सुनते ही नेगेटिव होते हैं, बोलते हैं ये सब मसले मसाइल ये सब नहीं चाहिए, हमें सिर्फ जज्बा चाहिए। जज्बा तो जज्बा तो चाहिए, इसमें कोई कोई डाउट नहीं। अगर जज्बा है तो आदमी इबादत अच्छी तरह से कर पाएगा, उसका मकसद समझ पाएगा, मसले भी समझ पाएगा इंशाल्लाह। लेकिन सवाल ये है, ये मसाइल समझने की जरूरत, मसले मसाइल क्यों समझे? उलमा से पूछ लेंगे, स्कॉलर से पूछ लेंगे, जब कोई जरूरत पड़ेगी तो स्कॉलर से पूछ लेंगे, हमें खुद इसमें जाकर स्टडी करने की क्या जरूरत है? आप सब में से कौन जवाब दे सकता है? मतलब, और ये याद रखिए कि वन लाइन में जवाब दीजिए इंशाल्लाह, और जो जवाब किसी ने दिया है कोई और उसे रिपीट ना करे। जी Let's start. Yes, Samson. जी, क्या जरूरत है ये सब मसले मसाइल स्टडी करने की, क्या जरूरत है? What do you think? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्योंकि इल्म हासिल करना सब मुसलमान पर फर्ज है। इल्म हासिल करना फर्ज है, तो आप बता रहे मसले मसाइल का भी इल्म हासिल करना उसमें शामिल है। वेरी गुड। और पॉइंट बोलिए, आप सब क्विकली बताते हैं। जिसे भी कुछ भी बात बताया बताते जाओ, या तो चैट में बताओ या तो खुद डायरेक्टली आके बताइए। यस शकीबा, आप जरा म्यूट एंड म्यूट हैंडल करते हैं। जब तक हम खुद ही से जानने की वो जो जस्तजू हमें नहीं होगी, हमको उसमें अमल करने में भी वो वैसा जज्बे में वो चेंज नहीं होगा। जब तक हम सिर्फ सुन के भी कर सकते हैं, लेकिन जब खुद ही से जब अपने अंदर से जाएगा उसमें ज्यादा फर्क रहेगा। बारकअल्लाह फी। ये है कि मसाइल सीखने में इस्लाम की ब्यूटी में से है कि जब हम मसाइल सीखते हैं ना, तो अमल का जज्बा बढ़ते जाता है, अमल का जज्बा भी बढ़ता है। और क्योंकि ये दीन फितरत वाला दीन है, जो चीजें हैं सब एक इंसान का प्योर नेचर जो होता है उसके मुताबिक है, और जब देखते हैं तो एक इंसान में जज्बा जागता है। जी एक और चीज, यस कैरी ऑन, बाकी सब भी बताए। अस्सलाम वालेकुम। होता है तो हमारा पूरा दिन डाउट्स में नहीं गुजरता, ऐसा कई बार doubts. हो जाता है, डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, मतलब कई बार हमें डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। बहुत अच्छा। पहले मुझे जब स्टडी करने का एक मिजाज पैदा होता है ना, तो डाउट्स क्लियर होते हैं। अगर उलमा पे ही डिपेंड है, कई बार उलमा में इख्तलाफ होता है, फिर ये समझ में नहीं आता है कि ये आलिम साहब सही बोल रहे हैं या वो आलिम साहब सही बोल रहे हैं। अगर हम खुद जाकर दोनों के प्रूफ्स जानें, दोनों से प्रूफ्स पूछें, और हम खुद इश्तिहाद नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम स्टडी करेंगे तो हमें समझ में आएगा इंशाल्लाह। हम शको शुबहात से बच सकते हैं, डाउट से बच सकते हैं इंशाल्लाह। एक जवाब चैट में आया है, अमल से पहले इल्म सलफ की सुन्नत है, यानी कोई अमल करने से पहले उसके मुतालिक इल्म हासिल करना ये सुन्नत है सलफ की। जी जरूरी नहीं है कि जैसे ही कोई मसला पेश आए उस वक्त हम किसी को कॉन्टेक्ट करके उसका इल्म फौरन हासिल कर पाए। मतलब तो जरूरी नहीं है कि हमें कोई ऑन द स्पॉट अवेलेबल मिले। अगर हमने स्टडी किया है तो हम गलती से बच सकते हैं, ऑन द स्पॉट कोई लास्ट मिनट पे अर्जेंट सिचुएशन में कोई ना मिले, हो सकता है सैरी का टाइम है, आप सब लोग अपनी अपनी सैरी कर रहे हैं और आपको पता चल जाए इंशाल्लाह। जी और बताइए। किसी को कोई अलग बात बोलनी है? स्टडी जो कोई इल्म हासिल करता है तो उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान हो जाता है।
जन्नत का रास्ता आसान होता है इल्म हासिल करने से। बिल्कुल सही, एक भाई ने कहा है बिदात से बच सकते हैं, हाँ बिदात से बच सकते हैं, ठीक है। और शेख मतलब यानी रोजे के अहकाम और मसाइल के नाम मतलब इन द टॉपिक इटसेल्फ यू हैव रिटन, सो आई फील लाइक के अहकाम और मसाइल के बिना हम रोजे भी किस तरह से रख सकते हैं वो नहीं पता रहेगा, तो उससे जैसे पहले सब लोग रख रहे हैं ना, देख देख के रखने के लिए नहीं, लेकिन क्या कर रहे हैं, मैं भी करूँ, असल असल जो उसका तरीका है वो नहीं पता चलेगा ना। जी सही बात, बस जी असल तरीका नहीं पता चलेगा, है ना, बहुत सारी मिस्टेक्स होगी, छोटी बड़ी, एक भाई ने कहा है छोटी बड़ी गलतियों से गलतियां पता चलती है, जी हाँ गलतियों से हम बचते हैं। और एक सिस्टर ने कहा है हमें मालूम हो तो हम तकवा ज्यादा पैदा होता है, तकवा अमल से करना आसान होता है, अमल करना आसान होता है। जारिया का भी एक जरिया हो सकता है अगर हमें पता है और हम दूसरों को बताएं। जी शेख, एहकाम और मसाइल को सीखने से रोजे और रमजान की असर रूह का पता चलता है। बिल्कुल बिल्कुल, एक भाई ने कहा है कि बाय स्टार्टिंग वी विल बी एबल टू टेल अदर्स एंड हेल्प अदर्स, हम दूसरों की भी मदद कर पाएंगे, है ना, दूसरों को भी की भी मदद कर पाएंगे, और इल्म हासिल करना फर्ज है। वेरी गुड माशाल्लाह। तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, रेडी है ना आप मेंटली, यानी अगर आप मेंटली रेडी नहीं है ना, अगर आप हाफ दिमाग से यहाँ पे बैठे हो ओ मसाइल, तो फिर मजा नहीं आएगा। और आपको मैं बात बताऊं, इसके अंदर दिलचस्पी से जाइए, इसके अंदर इंटरेस्ट से जाइए। इस्लामिक रिलीजन जो रिलीजन ऑफ प्रूफ है, दलायल वाला दीन, इसमें कोई इख्तलाफ कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, इंसान की फितरत के मुताबिक है। तो चलो एक ओपन माइंड से स्टार्ट करते हैं, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये दो क्लासेस में हम इंशाल्लाह रोजे के अहकाम और मसाइल स्टडी करेंगे। मैंने अहकाम और मसाइल को 10 sections में डिवाइड किया है, 10 sections में डिवाइड किया है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चांद के मसाइल। तो चांद के मसाइल में मेरे भाइयों मेरी बहनें, ये हदीस एक बहुत ही बुनियादी हदीस है, सूमू ली रुयतिही व अफ्तिरू ली रुयतिही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजा रखो चांद देखकर, हाँ चांद देखकर, व अफ्तिरू ली रुयतिही, रोजा रखना बंद करो चांद देखकर। तो चांद के ऊपर हमारा महीना डिपेंड है और चांद के ऊपर रोजा रखना शुरू होता है, चांद देखकर रोजा रखना बंद करते हैं। फाकमिलु इद्दत शाबान 30, अगर बादल छाए हुए हो गुब्बी अलैकुम, तो फिर शाबान के 30 दिन पूरे करो, शाबान के 30 दिन पूरे करो। अब ये मसले को हम अच्छे से स्टडी करते हैं, यानी क्या कि शाबान का महीना चल रहा है, फिर रमदान आएगा, फिर शव्वाल आएगा। शाबान में, शाबान खत्म होने के लिए और रमदान की शुरुआत के लिए हम चांद देखेंगे, चांद देख रहे हैं दिख ही नहीं रहा है, तो फिर नहीं दिख रहा है तो क्या होगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फकमिलु इद्दत, शाबान के 30 दिन पूरे करो, अगर चांद नहीं दिख रहा है शाबान के 30 डेज पूरे करो। यानी कि हम सिर्फ गुमान की बुनियाद पर हम अपना महीना नहीं शुरू करेंगे। आगे हम ये देखते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इदा रायतुमुल हिलाला, जब तुम चांद देखो फसोमो तो रोजा रखो, व इदा रायतुमुहु फाफ्तिरू, और जब तुम चांद देखो तो तुम रोजा रखना बंद करो। फइन गुम्मा अलैकुम, गुम्मा अलैकुम यानी कि आसमान में जैसे बदली छाई हुई है, जो लोग गल्फ में रहते हैं वो लोग जानते हैं कि कभी कभार अब्र आलूद बोलते हैं, यानी कि डस्टी होता है, पूरी फिजा डस्टी होती है, चांद दिखने का सवाल नहीं होता है, पूरा डस्टी माहौल होता है। अगर फइन गुम्मा अलैकुम फसूमू सलातीना यौमन, तो 30 दिन रोजा रखो, यानी बादल छाए हुए हैं चांद नहीं दिख रहा है तो भी 30 दिन रखो शाबान में। और यहां पर हम ये देखते हैं कि फसूमू सलासीना यौमन, यहाँ पे रमदान के महीने के बाद की बात हो रही है कि अगर गुम्मा अलैकुम, अगर ऐसे डस्टी माहौल है, चांद नहीं दिख रहा है, तो 30 दिन रमदान के पूरे करो। सिंपल है, आसान है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी इसके अंदर बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं। चलिए हम कुछ कंफ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए कुछ हदीसों को देखें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शहरू हाकदा व हाकदा व हाकदा, हाँ इस तरह से 29 बताया, ثم قال وهكذا 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 يعني 30 बताया, और يقول مرة 30 30 ومرة 29, तो ये इस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया महीना 29 डेज है, 30 डेज होता है, 28 डेज नहीं होता है, महीना 28 डेज नहीं होता है। क्यों ये बात आती है, कहीं पे कुछ सवालात में ये बात आने वाली है। और हम देखते हैं कितने गवाहों की जरूरत है, और गवाहों में अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हुआ, अब्दुल्लाह इब्न उमर बताते हैं तरन नासुल हिलाल, लोगों ने चांद देखा, लोग चांद देख रहे थे, फखबरतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नी रायतु,
मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर बताई कि मैंने चांद देखा है, मैंने चांद देखा है ना, अब्दुल्लाह इब्न उमर रदिल्लाहु अन्हुमा ने देखा है। फसामहु व अमर अन्नास बिसियामिही, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी रोजा रखा और लोगों को भी रोजा रखने कहा। अब यहाँ पे क्या बस क्या मसला पता करता है पता चलता है, यहाँ पे ये पता चल रहा है कि अब्दुल्लाह इब्न उमर एक सिंगल पर्सन है। हाँ, अब्दुल्लाह इब्न उमर रदिल्लाहु अन्हु एक सिंगल पर्सन है और वो उन्होंने देखा, लेकिन एक मोतबर सहाबी है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी एक की गवाही पर लोगों को चांद रोजा रखने शुरू करने कहा, यानी रमजान का महीना शुरू हुआ वो एक की गवाही पर, यानी एक से भी साबित होता है। उलमा में इस मौजू में इख्तलाफ है, लेकिन हकीकत यह है कि एक भी गवाह से साबित होता है। हाँ, दो से तो होता ही है, जैसे मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न मुबारक शाफी, वो कहते हैं एक गवाह भी कबूल है और ये बात दलाइल दलील की रोशनी में ज्यादा मजबूत है। लेकिन बाज उलमा कहते हैं, इमाम मालिक, इमाम सौरी, इमाम औजाई, लैस, इमाम शाफी, वो कहते हैं कि नहीं, दो गवाह चाहिए। उनकी दलील क्या है? उनकी दलील ये हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूमु लिरुयतिही व अफ्तिरु लिरुयतिही, रोजा रखो चांद देख कर और रोजा रखना बंद करो चांद देख कर, वान तशक्कु लहा फइन गुम अलैकुम फातिमु सलातीन, अगर तुम पर बदली छाए हुई है, तुम्हें शक है, तो फिर 30 दिन पूरा करो। वइन शहीदा शाहिदानी मुस्लिमानी, अगर दो मुस्लिम गवाह तुम्हें अगर शहादत दे दे, गवाही दे दे, फसूमु वाफ्तिरु, तो रोजा रखना शुरू करो और रोजा रखना खत्म भी करो। तो नॉर्मल रूल दो लोगों की है, दो लोगों की गवाही का नॉर्मल रूल है, लेकिन कोई अगर बहुत मोतबर गवाह हो तो रमजान की शुरुआत में एक को भी कबूल कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं इसमें इमाम अहमद और इमाम शाफी से एक रिवायत के मुताबिक ये कॉल है, अहनाफ के नजदीक अगर आसमान ओपन है तो फिर एक बड़ी जमात मिलनी चाहिए, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है, फसूमु वाफ्तिरु शहीदा शाहिदानी, दो गवाह अगर गवाही दे दे तो रोजा रखो और रोजा रखना बंद भी करो। तो ये हदीस की रोशनी में हम देखते हैं कि दो गवाह का बोलना काफी है। अब शव्वाल का जो चांद है, शव्वाल का चांद यानी रमजान के आखिर का चांद, वो चांद के ताल्लुक से हमें कोई वाज़े ऐसे एक्सेप्शन वाली हदीस नहीं मिल रही। एक्सेप्शन वाली जो हदीस है ना, जैसे रमजान की शुरुआत में मिली, अब्दुल्लाह इब्न उमर ने देखा, देखकर की गवाही दी, तो ये बात हम देखते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ एक कॉमन चीज है कि जब कोई गवाही देने आता है तो उसे कहा जाता है कि पहले कलमा पढ़ो, ऐसे बाज़ जगहों पर पहले कलमा पढ़ो। तो उनकी दलील क्या है? उनकी दलील ये हदीस है, ये हदीस ज़ईफ है। क्या हदीस है? इसमें आता है कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब गवाह आए थे, दो अराबी आए थे, फकाला अतशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या तुम गवाही देते हो कि नहीं कोई माबूद बहक सिवा अल्लाह के, सुम्मा काला काला नाम, तो उन्होंने कहा हाँ, काला अतशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि क्या तुम गवाही देते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो उन्होंने कहा हाँ, काला नाम, काला या बिलाल अज़िन फिन्नास फलयसूमु गदन। तो ये हदीस सनदन ज़ईफ है, ये ज़ईफ अबू दाऊद में हदीस नंबर 507 है, और क्योंकि हदीस की सनद सही नहीं है तो ये चीज को सिस्टम बना लेना सही नहीं है। और शाहिदानी मुस्लिमानी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा और कोई शख्स अगर मुस्लिम है तो फिर जरूरी नहीं कि उसको गवाही शहादत पढ़ने कहो, ऐसे जरूरी नहीं है। हाँ, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक और हम मसला देखते हैं कि अगर चांद ना दिखे तो कितने दिन? 30 days। इस बारे में ये हदीस हमारे सामने आ चुकी है, अगर ना दिखे तो 30 days। तो या तो खुद देखना है या तो गवाहों की शहादत, दो गवाह हो और बहुत मोतबर है तो एक गवाह रमजान की शुरुआत में। इमाम शौकानी कहते हैं कि आखिर के लिए भी फर्क करने की दलील नहीं मिलती, अल्लाह आलम। तो यानी ये मसला एक डाउटफुल मसला, एक मुख्तलफी मसला है जब रमजान के आखिर में हम आते हैं, लेकिन रमजान की स्टार्टिंग के अंदर तो वाज़ेह हदीस एक की भी मौजूद है। और अगर दोनों नहीं हो तो फिर 30 दिन तक रोजा रखना है। अब मैं आप सबसे एक सवाल पूछूंगा, पोल में सवाल आ रहा है, जस्ट मिनट। हाँ, शक वाले दिन रोजा रखना कैसा है? शक वाला दिन कौन सा दिन है? जैसे जिस दिन चांद देख रहे हैं सब लोग, चांद दिखाई नहीं, अब सबको लग रहा है कि जरूर चांद होगा, ऐसे बाज लोगों को लग रहा है चांद होगा, और बाज लोगों को ऐसा भी लगता है अरे सुबह होगी, फिर बाद में खबर आएगी, फिर एक रोजा कजा हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन जो शक वाला दिन हो, उसके अंदर क्या करना चाहिए? उसमें रोजा रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? ये आप लोग बताइए कि क्या आपको क्या सही लग रहा है। तो नंबर वन ऑप्शन ये है, अगर लग रहा है कि चांद है
तो रख लेना चाहिए, अगर लग रहा है कि चांद है तो रख लेना चाहिए। नंबर दो, बेहतर है कि रख लो लेकिन कंपल्सरी नहीं। नंबर तीन, जायज है, परमिसिबल है। और नंबर चार है, मना है, हराम है रोजा रखना। क्या है सही जवाब, आप लोग बताइए। चार ऑप्शंस में से एक चूज करना है बस। थ्री टू वन एंड पुलिंग। रिजल्ट्स में हम देखते हैं कि 38% ये कह रहे हैं, सबसे ज्यादा नंबर ये है कि हराम है, और 32% का कह रहा है अगर लग रहा है कि चांद है तो रख लेना चाहिए। और यानी कि 62% ने कहा, 10 ने कहा जायज है, 20 ने कहा बेहतर है, 32 कहते हैं रख लेना चाहिए। 62% उस तरह का, 38% यहाँ आया। देखते हैं सही जवाब क्या है। आइए मैं आपके सामने इस बारे में हदीस रखूं। इस बारे में अनसिला एक ताबई है, सिला बिन जुफर, वो कहते हैं काला कुन्ना इंदा अम्मार बिन यासिर। अम्मार बिन यासिर साहबी रसूल के पास थे। फउतिया बिशातिन मसलियतिन, एक भूनी हुई गोश्त, बकरे की गोश्त भुना हुआ लाया गया। फकाला कुलु, उन्होंने कहा खाओ। फतनाहा बादुल कौम, तो बाज लोग जो साथ में थे उसमें से कोई नहीं खा रहा था। फकाला इन्नी सौइमुन, उसने कहा मैं रोजा रखा हूं। फकाला अम्मार बिन यासिर, तो अम्मार बिन यासिर ने इस बात पे कहा मन सामल यौम अल्लज़ी युशक्कु फी फकद असा अबल कासिम, जो उस दिन रोजा रखता है जिस दिन शक हो, शक वाले दिन रोजा रखता है, उसने अबुल कासिम की नाफरमानी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबुल कासिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत है, कासिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का नाम है, अबुल कासिम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फकद असा अबुल कासिम, उसने अबुल कासिम की नाफरमानी की, यानी क्या, जो शक का दिन है उस दिन रोजा रखना मना है, उस दिन रोजा रखना मना है। यह हदीस अबू दाऊद, तिर्मिज़ी और कई जगहों पर है, हदीस सही सनद से है। तो शक वाले दिन रोजा रखना भी मना है, मतलब क्या, शक वाली चीज पर मत चलो और शक को फॉलो मत करो। ये तो है ही, हमारा महीना तो शुरू हुआ ही नहीं, हमारा महीना चांद जब तक ना दिख जाए तब तक महीना शुरू नहीं होता है। लेकिन वो शक वाले दिन को कोई बुनियाद बनाकर अमल करे, वो अमल करना भी मना है, हराम है। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यहाँ एक बहुत बड़ा विजडम है हमारे दीन का। हमारा दीन जो है ना कन्फर्म चीजों पर चलता है, डाउटफुल चीजों पर नहीं चलता। इसी वजह से हम ज़ईफ़ हदीसों पर भी अमल नहीं करते, क्यों, क्योंकि साबित नहीं है, शक है जिसमें डाउट है। हाँ, तो इसमें सही बात यह है, जो हमारे माइनॉरिटी स्टूडेंट्स 38% जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी लेकिन नॉट द मेजॉरिटी, तो वो लोगों ने जो जवाब दिया वो सही जवाब है और मना है, हराम है। आइए हम आगे बढ़ते हैं कि अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मसला है, इंटरनेशनल चांद या मकामी चांद, इस बारे में एक बहुत बड़ा डिस्कशन चलता है। आपने कभी सुना नहीं है तो जरूर सुनना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। बाज़ उलमा ये राय के हैं कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक ही दिन रोजा रखना चाहिए, एक ही दिन रोजा रखना चाहिए, रमदान एक ही साथ में शुरू हो, एक ही साथ में खत्म हो। और बाज़ उलमा कहते हैं कि नहीं, मतला है कि जैसे जो एरिया है वो एरिया के अंदर वो चांद, हर जगह का चांद अलग है, यहाँ का चांद अलग है, सऊदी का चांद अलग है, अलग अलग जगह की चांद अलग अलग है। हाँ, तो अच्छा मैं आप सबको बता दूं कि मैं अपने सामने आज चैट ओपन रखा हूं, तो अगर आप कुछ मुझे बोलना चाहते हो तो चैट में, मैं दो विंडोज नहीं रख पाता हूं, तो चैट में बोलिए अगर आप मुझे कुछ बोलना चाहते हो। हाँ इंशाल्लाह, तो चैट के क्यू एन ए, सॉरी चैट या क्यू एन ए, शकील भाई व्हाट डू यू थिंक, क्यू एन ए पे क्वेश्चन आ जाएगा तो दूसरे लोगों को भी उसके आंसर मिल जाएगा, तो बेटर है फिर क्यू एन ए रखेंगे। सॉरी क्यू एन ए में जाइए, चैट में मत जाइए, मैं चैट बंद कर रहा हूँ क्योंकि मैं दो जगह नहीं क्लियर कर सकता एक साथ में, इट्स टू मच फॉर मी। ओके, तो आइए हम देखते हैं, क्यू एन ए मैंने ओपन रखा हूँ मेरे सामने। अन्ना उम्मे फदल बिन हारिस, वो बयान करती है बासहू इला मुआविया बिशाम, उन्होंने मुआविया रतलान के पास शाम में भेजा था, किसे, सिला किसे, कुरैब को, कुरैब नाम के ताबई। ये वाकया हुआ और ये सहाबा के जमाने में वाक्य हुआ, और ये वाक्य में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग बात मिल रही है चांद के ताल्लुक से। बाज लोग हमेशा डाउटफुल होते हैं, कहते हैं अरे सऊदी में तो ऑड नाइट्स तब है, ताक रातें तब है, हमारी इवन नाइट्स होती है, हमारी ताक एंड ऑड यानी ऑड एंड इवन का क्या मामला होता है, ललतुल कद्र का मामला होता है। हाँ, तो ललतुल कद्र का इशू होता है ऑड एंड इवन के अंदर, तो बाज लोग इसमें बहुत डाउटफुल होते हैं। चलिए पढ़ते हैं ये हदीस, इसमें बहुत सारे इश्यूज क्लियर होते हैं। काला फकदिम तो शाम,
فَقَدَيْتُ حَاجَتَهَا, وہ کہتے ہیں قریب نام کی تابعی ہے, وہ کہتے ہیں میں شام میں, شام یعنی سیریا میں آئے اور آ کر کے انہوں نے ان کی حاجت کو پورا کیا جو حاجت کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا, کام ختم کیا. وَاسْتُحِلَّ عَلَيَّ رَمَضَان وَأَنَا بِشَام, رمضان کا مہینہ شروع ہوا اور میں سیریا میں تھا. فَرَأَيْتُ الْحِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمْعَةِ, میں نے چاند دیکھا جمعہ کی رات, جمعہ کی رات تھی, فرائیڈے کی نائٹ تھی, اور یاد رکھیے رات دن سے پہلے آتی ہے, رات دن سے پہلے آتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے چاند دیکھا, کب دیکھا ذرا یاد رکھنا ہے بات, فرائیڈے کی نائٹ میں دیکھا. ثم قدمت المدینہ, پھر وہ سیریا سے آئے مدینہ, فی آخر الشہر, مہینے کے آخر میں آئے. فسالنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما, عبداللہ بن عباس نے ان سے پوچھا. ثم ذکر الہلال, اور چاند کا مسئلہ جس مینشن ہوا. فقال متى رأيتم الهلال, تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما صحابی رسول ہیں نا, انہوں نے تابعی قریب سے پوچھا تم لوگوں نے چاند کب دیکھی سیریا میں, تو وہ کہتے ہیں قلت رأيناه ليلة الجمعة, ہم لوگوں نے فرائیڈے نائٹ کو دیکھا, جمعہ کی رات کو دیکھا. فقال انت رأيته, تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کیا تم نے خود دیکھا. فقلت نعم, کہا میں نے خود دیکھا, میں نے خود اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا. ورآه الناس, اور لوگوں نے بھی دیکھا. وصام وصام معاویہ, وہاں پہ معاویہ رضی اللہ عنہ تھے, تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے روزہ رکھے اور سب کو, لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا. فقال لیکن نہ رائناہ لیلۃ السبت, سنیچر کی رات میں دیکھا, انہوں نے فرائیڈے نائٹ دیکھا تھا, انہوں نے سیٹرڈے نائٹ دیکھا. فلا نزال نصوم حتی نکمل ثلاثین, اور ہم لوگ روزہ رکھتے جائیں گے یہاں تک کہ 30 دن پورے ہو جائے, اور نراہ یا ہم چاند دیکھ لیں. فقلت اولا تکتفی برؤیت معاویہ, تو اس بات پر قریب نے پوچھا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو چاند دیکھا کیا وہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے, انہوں نے فرائیڈے دیکھا تھا نا, وہ کیا کافی نہیں ہے, وہ سیام ہی کہ انہوں نے روزہ رکھا کہ ان کا روزہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے. فقال لا ہکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عبداللہ ابن عباس نے کہا اسی طرح ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. اب ذرا آپ سب اس میٹر کو ذرا اوپن مائنڈ سے سمجھیے کیا ہوا تھا, بہت سمپل بات ہے, ایک منٹ میں سمجھ جائیں گے. بات سمپل بات یہ ہے کہ مدینہ میں عبداللہ ابن عباس تھے, انہوں نے کب چاند دیکھا, سیٹرڈے کو چاند دیکھا, اور معاویہ رضی اللہ عنہ کہاں تھے, سیریا میں تھے, انہوں نے کب دیکھا, فرائیڈے دیکھا, انہوں نے فرائیڈے کے حساب سے روزہ رکھنا شروع کیا, انہوں نے سیٹرڈے کے حساب سے روزہ رکھنا شروع کیا. خبر لے کر سیریا سے مدینہ آئے ہیں کون, قریب, اور انہوں نے خود دیکھا تھا وہاں پر, آ کر کے عبداللہ ابن عباس کو بتائے, اور عبداللہ ابن عباس نے ان کی رویت قبول نہیں کی. یہ نہیں کہا کہ ارے ابھی ہمارا ایک روزہ قضا ہو گیا, ایسے نہیں کہا, بلکہ عبداللہ ابن عباس نے اپنے وہاں کی لوکل سائٹنگ کے حساب سے, سیٹرڈے کے حساب سے کہا ہم 30 دن پورا کریں گے یا چاند دیکھ لیں گے تو 29 ڈیز ہوگی. تو یعنی عبداللہ ابن عباس نے وہاں سیریا کی سائٹنگ نہیں قبول کی, جو سیریا میں چاند دیکھا گیا تھا اسے نہیں قبول کیا. اب یہ ایک بنیادی دلیل بنتی ہے کہ دو جگہوں پر جب 2 دن چاند دیکھا جا رہا ہے تو وہاں پر اس مطابق اگر کر رہے ہیں تو ہاں کہتا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ ابن عباس نے اس حدیث کی لاسٹ لائن میں کیا کہا ہے کہ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا. تو یہاں پر ابھی میرے برادرز اینڈ سسٹرز آپ ذرا بات سمجھو, ٹاپک کو ہے نا بہت کھلے دل سے سمجھنا ہے. یہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جو سوال پوچھتے ہیں نا, بولے سعودی میں تو کل تاک رات تھی, یہاں پر تو آج تاک رات ہے, تو ہمارا یہ چھوٹا سا دماغ جو ہے نا یہ اس بات کو نہیں سمجھ پاتا ہے کہ اللہ کا فضل جو ہے نا, اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ آخری ایک تہائی امریکہ میں الگ ٹائم پہ ہوتی ہے, آخری ایک تہائی رات کا آخری ایک تہائی حصہ امریکہ میں الگ ٹائم پہ ہوتی ہے, یہاں پہ انڈیا میں الگ ٹائم پہ ہوتی ہے. ہمارا یہ دنیاوی کلاک جو ہے نا, یہ حساب سے ہم اللہ کی رحمت کو تقسیم نہیں کر سکتے کہ یہ کلاک کے حساب سے اب لاسٹ 1/3 یہاں ہے وہاں پہ ہے. اللہ قادر ہے, یہ میٹرز آف دا انسین ہے, غیب ہے, ہم اس کے اندر نہیں کہہ سکتے. اللہ یہاں والوں کو تاک راتوں کے اعتبار سے دے گا, وہاں والوں کو ان کی تاک راتوں کے اعتبار سے دے گا. اللہ قادر ہے, اللہ تعالیٰ غنی عن العالمین, وہ رب العالمین, تو وہ 24 گھنٹے کے ہمارے کلاک سے قید نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نوز کیسے کرنا ہے وہ اللہ کے لیے مشکل ہے. اب آتے ہیں دوسرا مسئلہ کہ یہ جو ہے نا چاند کا مسئلہ کہ انڈیا میں ابھی کیرلا والے الگ چاند دکھتا ہے ان کو, سعودی میں الگ چاند دکھتا ہے, تو اس کے اندر اگر کر رہے ہیں ایسا تو کوئی غلط نہیں ہے, اگر کوئی کر رہا ہے اس اعتبار سے تو اس سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں, کیونکہ عبداللہ ابن عباس نے لاسٹ لائن میں کہا ہاں کدا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی حکم دیا. ہاں تو یہ دیکھنے کے بعد, لیکن آپ اس میں ذرا 3 باتیں غور کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
मुसलमानों की गवाही कबूल, किलोमीटर तक की गवाही कबूल करना, जैसे आज लोगों ने बना दिया ना कि तुम इतने किलोमीटर के बाहर से आए हो तुम्हारी गवाही नहीं कबूल करेंगे। यहाँ पे कुरैब क्या है, लेट आए थे, महीने का काफी हिस्सा गुजर गया था, लेट आए थे, और उतना लेट में अगर ऐसा सिस्टम होता तो हर साल हर बार किसी ना किसी जगह पर कुछ एक एक रोजा कजा हो जाते थे, है ना, लेकिन वैसा नहीं है। अब जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खबर आई, यहां तक आके हम देखते हैं अरबी जो रेगिस्तान में से बद्दू आए उन्होंने आके खबर दी, यहां तक का हुआ है कि असर की नमाज के वक्त पर आकर रेगिस्तान में से बद्दू ने आकर कहा, दो गवाही आई कि हम लोगों ने रेगिस्तान में चांद देखा था कल रात को, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो गवाही भी कबूल की है। हम देखते हैं यानी क्या, जैसे आज लोगों ने बना दिया ना इतने किलोमीटर का चांद, तो वो चीज की कोई दलील नहीं है, क्लियर दलील यानी कि दायरा उसकी कोई दलील नहीं मिलती। तो लेकिन एक बात बहुत ब्यूटीफुल बात है, ये हदीस इसके आपके सामने हमेशा रखिएगा, ये मौजू पर अगर आप कभी दिलचस्प हो ना, तो ये बहुत ही अहम हदीस है इस मौजू पर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सौमु यौमा तसूमून, रोजा तब रखो जब लोग रोजा रखे, वल फित्रु यौमा तुफ्तिरून, और रोजा तब रखना बंद करो, ईद तब मनाओ जब लोग ईद मनाए, वल अधा यौमा तुदाहून, और ईद उल अधा तब मनाओ जब लोग ईद उल अधा मनाए, मतलब ईद उल फित्र हो या ईद उल अधा हो तब मनाओ जब लोग मनाए, यानी कि ये इज्तिमाई मसला है। जैसे आज सुनने में आता है ना, अरे थोड़े लोग अलग होकर वो लोग अलग से ईद मना रहे हैं, वो लोग अलग से रोजा रखने शुरू कर दिए, तो ये हदीस जो है ना, जब लोग रोजा रखे तब रोजा रखो, ये इज्तिमाई मसला है, ईद तब मनाओ जब लोग ईद मनाए, और ईद उल अधा तब मनाओ जब लोग ईद उल अधा मनाए। ये बहुत अहम बात है हमारे लिए, मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप इस बात की तरफ ध्यान दीजिएगा इंशाल्लाह। क्या मतलब, मतलब ये कि चाहे इंटरनेशनल साइटिंग हो या लोकल साइटिंग हो, इसमें अगर मान लो सब लोग अगर मानने लगे दुनिया के कि भाई अभी हम जब खबर आ रही है तो चलो हम लोग सब साथ में मनाने लगेंगे, अगर ऐसा होगा तो ठीक है, जिस दिन होगा अलग बात है, लेकिन तब तक तो जो लोकली चल रहा है वो लोकल फॉलो करेंगे, और उसके अंदर हमें ये फिक्र नहीं करना है कि हमारी ताक रातों का क्या है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, सहाबा के जमाने में ऐसा हुआ है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही हुक्म दिया है उस चीज का, जैसे कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया। मतलब क्या, देखो आप समझो कि पहले जो सीरिया और मदीना के अंदर आप देख रहे हैं फर्क होता था, लेकिन आज सीरिया मदीना साथ में होता है क्योंकि खबर पहुंच जाती है आसानी से। तो हम देखते हैं कि जब तक ये मामले में लोगों के माइंड्स ओपन हो और एक ऐसा जमाना देखने मिले जब सेम दिन ईद हो रही है यहां वहां, तब तक के लिए तो लोग जो ईद मना रहे हैं हम साथ में मनाएंगे, लोग रोजा रखना शुरू कर रहे हैं साथ में रखेंगे, मतलब इसमें इख्तलाफ नहीं होना चाहिए, इस मसले में इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। अब मैंने दोनों तरफ के दलायल आपके सामने रखे हैं, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चांद देखने की दुआ, अल्लाहुम्मा अहलिलहु अलैना बिल युम्नि वल ईमान, ए अल्लाह इस चांद को हमारे सलामती के साथ, ईमान के साथ, इस्लाम के साथ, सलामती के साथ, व सलामती वल इस्लाम, सलामती अमन के साथ, अमन चाहिए। आज देखो वॉर्स हो रहे हैं वगैरह, तो हम अल्लाह से मांगते हैं सलामती चाहिए, अल्लाह हमें सलामती, वल इस्लाम और इस्लाम चाहिए, रब्बी व रब्बुक अल्लाह, मेरा और तेरा रब अल्लाह है। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इसमें हम ये देखें कि यहाँ पे ये बात का देखें कि चांद की दुआ ये हमें मिलती है, और हम चांद से कहते हैं चांद तेरा और मेरा रब अल्लाह है, तेरा रब भी अल्लाह है, रब्बी व रब्बुक अल्लाह, मेरा रब भी अल्लाह है। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, चांद की दुआ ये बहुत ब्यूटीफुल दुआ है, आपको ये नोट्स मिलेगी तो आप उसमें से ये दुआ जरूर पढ़िए इंशाल्लाह, जब चांद निकलेगा तब आपको खबर मिलती है तो आप जरूर ये दुआ पढ़िए। अब चांद के ताल्लुक से आज कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कैलकुलेशंस जो आते हैं ना, कैलकुलेशंस, वो कैलकुलेशंस करके बोलते हैं कि नहीं नहीं साइटिंग नहीं, डायरेक्ट हम कैलकुलेशन करके बताएंगे। तो मैं उनको ये हदीस बताना चाहता हूं, जो लोग कैलकुलेशंस की बात कहते हैं उनके लिए एक हदीस है, सही बुखारी के अंदर हदीस है, इन्ना उम्मतुन उम्मीयतुन, हम एक उम्मी कौम है, ला नक्तुबु वला नहसुबु, हम लिखते नहीं है ना हिसाब करते हैं, शहरु हाकदा व हाकदा, महीना ऐसे होता है या ऐसे होता है, 29 डेज होता है, 30 डेज होता है, मतलब ये मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के मसले में कैलकुलेशन करने से मना किया, कहा कि हम एक उम्मी कौम है, हम इस मामले में ला नक्तुबु, ना लिखते हैं ना हिसाब करते हैं, जो चांद के कैलकुलेशन करके, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन करके बाज लोग बताते हैं, बोले चांद तो फला दिन निकल रहा है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले में एक सिंपल तरीका बताया कि या तो देखो, या तो गवाही मिले, या तो 30 दिन पूरा करो, सिंपल,
इसके अंदर कैलकुलेशन करने से मना किया गया, जैसे कि हदीस आपके सामने। तो आज सुनने में आता है साउथ इंडिया में बाज लोग और अलग अलग जगह पे कुछ मॉडर्निस्ट एजुकेटेड में, देखो एजुकेटेड होना अच्छी बात है, लेकिन एजुकेटेड में हमें यह समझना चाहिए हमारी सारी एजुकेशन नीचे है, कुरान हदीस ऊपर है। तो इसके अंदर कुरान हदीस में जब ये बात आ गई ना कि हम इस मामले के अंदर हम क्या करते हैं, हम हिसाब और किताब नहीं करते, ना लिखते कैलकुलेशंस करते हैं, तो हमें नहीं करना है। ओके, हमें नहीं करना है जी। जस्ट अ मिनट। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट चांद के मसाइल में, चांद के मसाइल में एक सवाल ये आया है कि कुछ लोग कहते हैं सऊदी और केरला की गवाही मिल रही है तो हमारे यहाँ उस पर अमल क्यों नहीं हो रहा है। देखिए मैं वेट कर रहा हूँ एक ऐसे वक्त के लिए जब हमारे उलमा इकराम का माइंड ओपन हो इस मसले में, और वो लोग ये कहना जो कहते हैं ना इतने किलोमीटर की गवाही लेंगे, इतने किलोमीटर, वो किलोमीटर कुरान हदीस में तय नहीं है। तो अगर मान लीजिए कि बात ओपन हो जाता है कि ये गवाही आ गई, हाँ ये गवाही आ गई और ये कबूल हो गई, और तब तक जब तक आम मुसलमान ये करने लगेंगे हमारे शहरों में, आम मुसलमान करने लगेंगे, तब तक के लिए हमें यही करना चाहिए कि जो किया जा रहा है उस शहर के अंदर वही मुताबिक, उसी मुताबिक हमें करना चाहिए, उसके अंदर इख्तलाफ नहीं करना चाहिए, उसके अंदर आपसी आपस में जो मुसलमानों में फूट डालना हो जाता है, बंटवारा हो जाता है, और इस बारे में सलफ में बहुत सारे अकवाल हैं कि ये चीजों में हमें बंटवारे में नहीं पड़ना चाहिए। चांद का मसला ऐसा है, रोजे का मसला ऐसा है कि हमें लोगों के साथ रखना चाहिए, लोगों के साथ जब लोग उनके साथ रखना चाहिए, मुसलमानों की जो जमात है। अच्छा बाद लोग इसमें ये भी कहते हैं कि सऊदी का चांद फॉलो करना चाहिए, तो ऐसा भी नहीं है। अगर आप देखोगे तो कई बार ऐसी भी जगहें हैं जहां सऊदी से पहले चांद निकलता है, सऊदी में कभी लेट हुआ है, तो जरूरी नहीं है सऊदी का चांद। बात यह है जहां से गवाही आ जाए तब तक, जब तक ये बात समझ में आए लोगों को, तो तब तक के लिए हम जहां पे जो लोग चल कर रहे हैं वही हिसाब से हमें करना चाहिए इंशाल्लाह। चलिए हम आते हैं सेकेंड टॉपिक पर। सेकेंड टॉपिक नियत। नियत के मामले में मेरे भाइयों बहने बहुत इंटरेस्टिंग है। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार है नियतों पर, वह इन्नमल लिकुल्लि इमरी मा नवा, और हर शख्स को वही मिलेगा जिस चीज की वो नियत करेगा। आपकी नियत होनी चाहिए अल्लाह मैं तेरी इबादत के लिए, मतलब अल्फाज में नहीं, अल्लाह ताला की इबादत के लिए हम रोजा रख रहे हैं तो रोजे की नियत होना जरूरी है। अगर नियत नहीं है तो अमल ही नहीं है। जैसे कोई भूखा प्यासा आदमी है, सुबह से रात तक उसने कुछ खाया नहीं, तो क्या रोजा हो गया? नहीं हुआ। सिर्फ भूखे प्यासे रहने से रोजा नहीं होता है, नियत से होता है, नियत होना लाजिम है। और इस बारे में ये देखिए कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन लम युजमी सियामा क़ब्ल अल फज्र फला सियामा लहू, जो फज्र से पहले नियत ना करे उसका तो रोजा ही नहीं है। हाँ उसका रोजा ही नहीं है, यानी फज्र से पहले हमारी नियत होनी चाहिए। उलमा इकराम में इस बारे में डिस्कशन है कि एक एक रोजे की क्या अलग अलग नियत होनी चाहिए। तो हाँ हर रोजे की नियत होनी चाहिए और फजर से पहले होनी चाहिए, यानी कि पहले से नियत हो। अब कोई बोले कि भाई नियत नियत कैसे, क्या हमें जुबान से अल्फाज के साथ पढ़ना है? हाँ तो यहाँ पे आपके सामने मैं एक सवाल ये पोल में ला रहा हूं कि रोजे की नियत हमें कैसे करना चाहिए, दिल से, जुबान से, या दिल और जुबान दोनों से? आपको क्या सही लग रहा है? शकील भाई मेरे पास से फेल हो रहा है, आप जरा ट्राई करिए, पोल लॉन्च करिए शकील भाई। यस यस वन मिनट जी। ओके आ गया, तीन तीन सवाल है, आप लोग जवाब दीजिए, दिल से, जुबान से, या दिल और जुबान दोनों से, क्या लगता है आपको? ओके 3 2 1 एंड पोलिंग। शकील भाई आप ही करो, मेरे पास एंड भी नहीं हो रहा है, शेयर भी करिए। 84% हमारे स्टूडेंट्स ने कहा दिल से, और 16% कह रहे हैं दिल और जुबान दोनों से। आइए स्टडी करते हैं कि क्या सही जवाब जी। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इबादत के अंदर एक कायदा याद रखिए। कायदा ये है कि जब तक क्लियर प्रूफ नहीं मिल जाए तब तक वो चीज साबित नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर आप आज प्रोग्राम में आए, अब दीनी प्रोग्राम आने में नियत क्या होनी चाहिए? अल्लाह के लिए होनी चाहिए ना। अब क्या आपने नियत पढ़े थे आने से पहले कि मैं नियत करता हूं प्रोग्राम में जाने की वास्ते अल्लाह के, मुंह मेरा लैपटॉप की तरफ, ऐसा कहा था आपने? नहीं कहा था। क्यों? नियत कहाँ है? दिल में है।
तो नियत की जगह कहाँ है? दिल में। तो आपकी नियत होनी चाहिए और नियत की जगह दिल में है कि भाई आप रोजा रखना शुरू किए हो, ये खाना जो नहीं खा रहे हो क्यों नहीं खा रहे हो, तो आपकी नियत दिल में होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि भाई खाना नहीं है ना इसलिए मैं भूखा बैठा हूं। हाँ ऑब्वियसली, तो नियत करना बहुत आसान है। नियत का मामला लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं लेकिन इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। और बाज लोग ये नियत पढ़ते हैं, किसे याद है वो नियत जो पढ़ी जाती है मशहूर, किसे याद है? आप में से कौन पढ़ सकता है जिसे अच्छी तरह से याद है वो पढ़िए जरा जी। यस बिसौमे गविन नवाई तो बिन सहरे रमजान, थोड़ा स्लो पढ़िए ताकि सबको अच्छे से समझ में आए जी। बिसौमे गविन नवाई तो बिन सहरे रमजान, हाँ सब लोग सुनिए। लिसौमी गदिन गदन, कल गदन यानी कल, कल रोजा रखने की नवाई तू, मैं नियत कर रहा हूं हाँ मिन सौमी रमजान, रमजान के रोजों में से। अब जरा सुनो, कल रोजा रखने की आज नियत कर रहे हो, और पता है क्या होता है जब ऐलान होता है मस्जिदों से सहरी का वक्त खत्म हो गया, सहरी करना बंद कर दीजिए और रोजे की नियत फरमा लीजिए लिसौमी गदिन हाँ तो वगैरह। अब यहां पे समझना क्या है, समझना ये है मेरे भाइयों मेरी बहने, मैं आपको जिस से बताना चाह रहा हूं, यहां पे क्या दिया है, मन लम युजमी सियामा कबल अल फजरी, जो फजर से पहले रोजे की नियत ना करे फला सियामा लहू, उसका रोजा नहीं है। तो जो कह रहे हैं ना कि सहरी का वक्त खत्म हो गया है अब नियत करो, तो पहले तो नियत होनी चाहिए फजर से पहले, फजर के बाद नहीं होनी चाहिए। नंबर दो, ये नियत पढ़ने की कोई सही हदीस नहीं है, हमें हजारों हदीसें मिलती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, एक हदीस नहीं मिलती है प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे ऐसी दुआ पढ़ो। ये दुआ लोगों ने खुद बनाया है और बनाने में भी क्या लिखा है, गदन लिखा है, गदन यानी कल, यानी आज आप नियत कर रहे हो कि कल रोजा रखोगे, आज नियत कर रहे हो कि कल रोजा रखोगे, तो आज का रोजा क्या है, आज का रोजा क्या है, हकीकत में नियत की जगह कहाँ है, दिल में है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये मसला आपके लिए क्लियर होगा। अब देखो मेरे भाई मेरी बहनें, हजारों इबादतें हैं, आप सदका दे रहे हो तो क्या कहते हो कि मैं नियत करता हूं 10 रुपए सदके की वास्ते अल्लाह के मुंह मेरा इस गरीब की तरफ, नहीं कहते। अल्लाह जानता है कि आपकी नियत क्या है, कि दिखावे के लिए दे रहे हो या अल्लाह की रजा के लिए दे रहे हो, कुछ पाने के लिए दे रहे हो या सिर्फ रब की रजा पाने के लिए दे रहे हो, अल्लाह की अल्लाह जानता है। तो रोजे की नियत भी अल्लाह जानता है, कोई इतना मुश्किल मसला नहीं जैसे लोगों ने बना रखा है। अच्छा ये बात है कि नफली रोजों में हम देखते हैं कि निस्फ नहार बीच दिन मिड डे से पहले नियत कर लेना चाहिए नफली रोजों में। फर्ज रोजे में क्या है कि कबल अल फज्र, फज्र से पहले। बाज उलमा में ये बात वो कहते हैं कि नहीं फर्ज रोजे में भी आधे दिन के तक हम नियत कर सकते हैं, हनफी फिक्र में ये माना जाता है, लेकिन हदीस आपके सामने, हदीस सही सनद से है, तो ये हदीस की रोशनी में निस्फ नहार नहीं है, कबल अल फज्र है, फज्र से पहले, हाँ ये फज्र से पहले नियत हो जानी चाहिए। लेकिन नफली रोजे में क्या है, हम देखते हैं हदीस इब्न माजा में, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी घर में पूछते अपने घर वालों से कि खाने के लिए कुछ है, और पता चलता घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते तो मैं रोजे से हूँ। तो नफली रोजे आप मिड डे तक, निसफ नहार आधे दिन तक भी नियत कर सकते हैं, लेकिन फर्ज रोजे में हमें फज्र से पहले नियत कर लेनी चाहिए। हाँ तो इसकी जगह कहाँ है, दिल से। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड, किस पर रोजा फर्ज है, हाँ किस पर रोजा फर्ज है, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, आखिरी थर्ड लाइन पढ़िए, फमन शहीदा मिनकुम शहरा फलियसुम, तुम में से जो इस महीने को पाले, इस महीने को शहीदा, शहीदा यानी कि उसमें मौजूद रहे पाए, फलियसुम, उसे चाहिए कि रोजा रखे। कौन रोजा रखे जो इस महीने को पाले, तो 5 कंडीशंस है। नंबर 1 तो मुस्लिम हो, उसके लिए फर्ज है, मुस्लिम ही नहीं है तो उसके लिए तो अभी तक वो चीज में इस्लाम में आया नहीं है। नंबर 2 मुकल्लफ हो, उसके लिए फर्ज है, फर्ज का टॉपिक चल रहा है, याद रखिए। बच्चा रखे तो अच्छा है, लेकिन क्या बच्चे के लिए फर्ज है कि छोटे छोटे बच्चों के लिए सारे पूरे महीने के रोजे रखना फर्ज है, तो नहीं, बच्चों के लिए, छोटे जो नाबालिग बच्चे हैं उनके लिए फर्ज नहीं है, रखेंगे तो अच्छा है, उनकी ट्रेनिंग होगी, सवाब मिलेगा, आगे के लिए अच्छी आदत बनेगी, लेकिन फर्ज उन पर अब तक नहीं हुआ, तो मुकल्लफ होना चाहिए, यानी जैसे कोई पागल है, कोई छोटा बच्चा है, उस पर फर्ज नहीं है, मुकल्लफ होना चाहिए। मुकल्लफ कौन होता है, जिसके पास अपनी अकल है, जो बलागत बुलूगत तक पहुंच गया, उसके लिए फर्ज है। नंबर 3 रोजा रखने में की कुव्वत हो, यानी कि कोई बीमार है, तो बीमार को रोजा रखने क्या कहा गया है, हम आगे देखने वाले हैं कि बीमारों को ये कहा गया है, बीमारों में 2 टाइप के बीमार होते हैं, टेम्पररी बीमार और परमानेंट बीमार।
जो टेम्पररी बीमार है वो बाद में पूरा करें, और जो ऐसे बीमार है जो एंड स्टेज बीमार है और जिनकी शिफा की उम्मीद नहीं और रोजा नहीं रख सकते हैं, रोजा रखने में उनको नुकसान होगा, तो उनके लिए फिदिया का ऑप्शन है। तो हम ये देखते हैं कि नंबर तीन वो बीमार ना हो, नंबर चार सफर में ना हो। सफर में जो होते हैं उनको एक ऑप्शन दिया गया है कि आप चाहिए तो सफर से आने के बाद रोजा रखना, ये ऑप्शन दिया गया है कि उनके पास ऑप्शन है। लेकिन जो सफर में नहीं है उनके लिए फर्ज है, जो सफर में है उनके लिए अभी फर्ज यानी अभी ही रखना है, ऐसे नहीं। और नंबर पांच कोई रुकावट ना हो, जैसे औरतों के लिए हैज निफास इसके अंदर रोजा रखने मना किया गया है, तो हैज और निफास ना हो। ये पांच चीजें हैं, ये पांच शरायत पूरी होगी तो उन पर रोजा रखना फर्ज है। सिंपल देख रहे हैं हम, सिंपल मामला। चलिए नंबर चार चौथे सेक्शन पे आते हैं। मैं जरा देख लूं यहाँ तक कोई सवाल अगर ऐसे लग रहा है तो, क्योंकि मुझे टाइम भी बहुत संभालना है ताकि हम कवर करें। ओके, अल्लाहुम्मा अस्सुमु लका मिन शहरी रमदान फ़ग़फिर ली मा क़द्दमतु व मा अख़रतु। तो ये जो दुआ किसी ने भेजा है, एक सिस्टर ने भेजा है चैट में, सवालात में, सवाल में, ये आपको मैं बता दूं कि ऐसी दुआ भी कोई साबित नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दीन वो दीन है, महफूज दीन है। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, देखो आप है ना इस मामले में कंफ्यूज नहीं होना। जो भी आपसे कहे कि ऐसा साबित है, उनसे कहेंगे आप कि इसकी कोई सही हदीस है तो लाके दीजिए, अगर है ना, मैं आप हम सब मुसलमान सबको करना है, लेकिन अगर नहीं है ना तो सबको नहीं करना है, क्योंकि इबादत का मसला है, इबादत का मसला है। देखिए इबादत के अंदर क्या होता है, इबादत के अंदर हमारे पास इख्तियार नहीं होता। अब देख रहे हैं डिजाइन जो ब्लू कलर की बनी है, अब ये ग्रीन होती रेड होती तो ये दुनियावी मसला है। जो ब्लू स्क्रीन है ना मेरे ऊपर, ये ब्लू की जगह ग्रीन होती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन यहाँ क्या है, इबादत के अंदर हम अपने तरफ से चेंज नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि दीन मुकम्मल हो गया 1400 साल पहले, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि जो इस दीन में नई चीज लाएगा फहुआ रद, वो चीज रिजेक्ट हो जाएगी। हाँ, तो रिजेक्ट ना हो इसलिए हमें ख्याल रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, फजर से पहले यानी फजर तक। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल इन्होंने पूछा है, एक भाई ने सवाल ये पूछा है ब्रदर सैयद कुतुब कि फजर से पहले यानी फजर तक। चलो फजर की बात अच्छा हुआ आपने पूछ लिए, और ये सहरी के टॉपिक में बात आने वाली है। देखिए तीन अलग अलग टाइम है, जहां पे एक टाइम था ना वहां हमारे यहाँ तीन टाइम हो गए। हाँ, तीन टाइम, एक टाइम होता था है क्या, जो फजर का टाइम है वो टाइम पे अजान होती है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब तुम फला सहाबी की अजान सुनो तो रोजा तो खाना बंद कर दो। होता क्या था उस जमाने में कि सहरी का वक्त कब तक होता है, फजर तक, तो फजर के वक्त पर अजान होती है। लेकिन लोगों ने क्या किया, तीन टाइम बना दी, जहां एक टाइम है वहां तीन बना दी। एक टाइम बना दी इमसाक, इमसाक यानी खाना खाने सहरी करना रोक दो, इमसाक यहाँ पे सहरी करना रोक दो, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, जो जो हम देखते हैं फजर का असल वक्त सुबह सादिक, सुबह सादिक, और उसके थोड़ी देर बाद फजर की अजान। लेकिन तीन वक्त नहीं है, हकीकत में एक ही वक्त है। इमसाक जो रोजा सहरी रोक दो ऐसा कोई वक्त है ही नहीं। खाने की इजाजत है कहां तक, यहां तक के सुबह सादिक ना हो जाए, यहां तक के फजर का वक्त ना हो जाए। फजर का वक्त सुबह सादिक के वक्त पे होता है, तीन वक्त नहीं एक ही वक्त है वहां पे, वहां पे एक ही वक्त है फजर का वक्त, वही वक्त पे सहरी खाना का वक्त खत्म होता है, उसी वक्त पर अजान दी जाएगी। तीन वक्त नहीं है जैसे कि लोग बताते हैं, हम इसे डिटेल में सहरी वाले सेक्शन में देखेंगे। ओके, अगर कोई सफर में हो तो क्या सफर का हम अभी देखने वाले हैं, उनके तालुक से डिटेल में देखने वाले हैं इंशाल्लाह। हाँ, कजा का टॉपिक आएगा ना वहां पे हम देखेंगे इंशाल्लाह सफर का। ओके, कितने साल के बच्चों को रोजा रखना फर्ज है, बालिग हो जाए तो, बालिग होने की क्या कंडीशन है वो आगे आने वाली। हाँ, और सफर का रेडियस क्या है, सफर का रेडियस ये है ना जिसे उर्फ आम में सफर कहते हैं। अब किलोमीटर के एतबार से तो हम देखते हैं कि 80 मील की बात आती थी, जो हम देखते हैं कि 80 मील जो नमाज कसर करने के ताल्लुक से। लेकिन सही बात यह है कि उर्फ में यानी कस्टम्स में जिसे सफर कहा जाता है, जिसे लोग भी सफर समझते हैं, उसी को सफर कहेंगे। अब जैसे कोई जगह पर डिस्टेंस बढ़ जाता है, मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, लेकिन वो लोग जो रियल उर्फ में माना जाता है कि ये सफर है, ऐसे जबरदस्ती का सफर का कंसेशन हम नहीं ले सकते। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। शकील भाई, मैं जो आंसर कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा नीचे हूँ, लेकिन आप देख के जरा उनको ऑफ कर देंगे तो अच्छा रहेगा, तो हम डाउन राइट कर दो। ठीक है, मेरी तबीयत खराब है तो मैं रोजा कैसे रखूँ? तो
उसके बारे में हम डिटेल में आगे देखने वाले हैं इंशाल्लाह। अजी चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके लिए रोजे में रुखसत है? आगे बढ़ रहे हैं, रोजा रखने में रुखसत किसके लिए है? देखिए पहली हदीस आ रही है, रुफ़ अल क़लम अन थलास, तीन की कलमें उठा ली गई है, अनिल मजनूनी अनिल मजनूनिल मगलूब अला अक्लिही हत्ता यफीक, के जो मजनून जो पागल है जिसके पास होश नहीं है, सोया हुआ जब तक जाग ना जाए, वो अन सभी हत्ता यहतलिम, बच्चे की यहां तक आके वो एहतलाम की उम्र तक, बलागत की उम्र तक ना पहुंच जाए, यानी बालिग ना हो जाए। बालिग की क्या निशानियां हैं? शेख इब्न उसैमीन ने यहाँ बताया, ये देखिए सवाल आया था बालिग कब होते हैं बच्चे, तो बालिग होने में तीन चीजें हैं जो निशानियां हैं। फर्स्ट ये कि या तो 15 साल की उम्र हो जाए, सेकंड ये कि ज़ेरे नाफ यानी प्राइवेट पार्ट्स में बाल आ जाए, और देखिए दीनी मसाइल है हम लोगों को समझना है तो वो बालिग गिने जाते हैं। बालिग होने के सारे रूलिंग्स इंक्लूडिंग रोजा उनके लिए फर्ज हो गया उस वक्त पर। और तीसरा दिया हुआ है, तीसरी कंडीशन ये है कि शहवत के साथ अगर मनी खारिज हो, सीमन खारिज हो शहवत के साथ, तो जाकर ये एक निशानी है बलावत की। अगर मनी पहले भी खारिज हो गया 12 साल की उम्र में, 11 साल की उम्र में, तो बालिग हो गया है। अगर प्राइवेट पार्ट्स में बाल 11 साल 10 साल में आ गए हैं, पहले बालिग हो गया है, लेकिन लास्ट उम्र जो मानी 15 साल के ऊपर में कोई बोल नहीं सकता है बालिग नहीं हुआ, क्योंकि भले ही बाकी दो निशानी नहीं आई है तो भी 15 साल हो गया तो वो बालिग हो गया। लड़कियों के लिए एक और चीज है, वो है हैज आना। अब हैज किसी को 9 साल में आ गया, 10 साल में आ गया, तो वो बालिग हो गई है। हाँ ठीक है, हम आगे देखते हैं। किसके लिए रुखसत है? तो मतलब जो बच्चा फर्ज अब तक बुलूगत तक नहीं पहुंचा ना, उसके फर्ज नहीं। ओके इंशाल्लाह आगे हम ये देख रहे हैं कि हैज की हालत में और निफास की हालत में औरतों को रोजा नहीं रखना है। वलम तसूम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा नहीं है कि जब कोई औरत रोजे से होती है, जब कोई औरत हैज में होती है, तो वो ना नमाज पढ़ेगी ना वो रोजा रखेगी, तो यानी वो रोजा नहीं रखेगी हैज की हालत में। और निफास की हालत में, हाँ हैज और निफास की हालत में कजा करना है, यानी बाद में रोजे पूरे करने। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कालत काना युसीबुना दालिका फन्नू मरू बी कदाए सौम वलानू मरू बी कदाए सला, हमें हैज आता था, हमें रोजों का की कजा करने कहा गया, लेकिन नमाज की कजा करने नहीं कहा गया, यानी नमाज की कजा करने नहीं कहा गया, रोजों की कजा करने कहा गया, हमें मिलता है। और इस बारे में हम देखते हैं कि मान लो कि कोई औरत अगर उसे पाकी पाकी जो है हैज से पाक हो जाए मिड डे में, तो क्या उसे इमसाक यानी खाने पीने से रुकना होगा या नहीं रुकना होगा? उसके लिए वला यजीबुल इमसाक, उसके लिए इमसाक लाजिम नहीं है, यानी कि खाने पीने से वो नहीं रुकना है उसे, मतलब ऐसा नहीं कि अभी मिड डे में आया बाकी का दिन तुम खाना नहीं खा सकते, ये चीज वो हाइजा औरत के लिए नहीं है। शेख इब्न उसैमीन रहिमहुल्लाह बताते हैं, और दलाइल की रोशनी में ये मजबूत बात है, क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं है कि उसे खाना पीना नहीं है। ये सवाल क्यों उठ रहा है? सवाल क्यों उठ रहा है मैं आपको बता दूं, हुआ क्या था कि जब आशूरे का रोजा फर्ज था, पहले रमदान के रोजे, किसी ने ये सवाल पूछा था कि रमदान के रोजे कब फर्ज हुए, तो रमदान के रोजे 2 हिजरी में जाके फर्ज हुए, उससे पहले आशूरे का रोजा फर्ज था। जब रमदान के रोजे फर्ज हो गए तो आशूरे के रोजे की फर्जियत मनसूख हो गई, यानी वो रोजा अभी रिकमेंडेड में है, मुस्तहब में है, फर्ज नहीं। हाँ, तो उस वक्त पर क्या हुआ था, आशूरे का दिन था और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह के वक्त पर ऐलान करने वालों को भेजा कि आप में से जो लोग के आशूरे का रोजा फर्ज हो गया है, आप में से जो लोगों ने खा लिया है, तो वो बाकी का दिन इमसाक यानी कुछ भी नहीं खाओ बाकी का दिन, और जो लोगों ने नहीं खाया है वो लोग अभी तो खाया नहीं है तो पूरे दिन का रोजा मुकम्मल करो। तो यहाँ पे क्या है, ये इमसाक का कंसेप्ट हमें मिलता है। तो कहीं एक सवाल उठ सकता था ना कि कोई औरत का अगर हैज उसे से पाकी मिड डे में हो जाए तो क्या उसे इमसाक है उसके लिए? तो नहीं, इमसाक उसके लिए नहीं है कि उसके लिए, लेकिन कजा है, वो दिन की कजा तो उसे करना है, रोजे की कजा तो करनी है। हाँ, रोजे की कजा करनी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस्तेहाजा, जो इस्तेहाजा वाली जो औरत है जिसे इस्तेहाजा आता है, इस्तेहाजा क्या है, इरेगुलर ब्लीडिंग, यानी हैज के दिनों के अलावा ब्लीडिंग, तो उसके लिए क्या है, हम देखते हैं। उसके लिए सही बात यह है कि वहादा दमो लायुफ से दुसौम, ये खून से रोजा ब्रेक नहीं होता, रोजा बातिल नहीं होता, रोजा नहीं टूटता, मतलब कि वो ऐसी ब्लीडिंग जो रेगुलर
हैज की ब्लीडिंग के अलावा ब्लीडिंग है, उसके अंदर वो एक्चुअली नमाज भी पढ़ सकती है, रोजा भी रख सकती है। इस्तेहाजा वाली ब्लीडिंग से एक चीज है कि उससे वुजू टूटता है, तो वुजू करना होता है। तो हम ये देखते हैं कि ये जो रोजा है, ये जो खून है, इरेगुलर ब्लीडिंग जो है रेगुलर मेंसेस के अलावा, उसके अंदर भी रोजा रखना होता है। अगर किसी बहन को ऐसा प्रॉब्लम हो तो फिर उसके अंदर भी रोजा रखना है। आगे मुसाफिर, अब मुसाफिर वाला कोई सवाल पूछ रहा था ना, यहाँ पे हदीस आ गई सामने। हदीस ये है कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा, मैं आपको इस तालुक से तीन हदीसें बताऊंगा ताकि पूरा पिक्चर समझ में आ जाए। सफर वगैरह में हम लोग होते हैं ना, तीन हदीस और एक कॉल हम लोग इस बारे में देखें। हमजा बिन अम्र अल असलमी कहते हैं, रदिल्लाहु अन्हु कहते हैं, قال يا رسول الله اجد بي قوه على الصيام في السفر। वो कहते हैं कि मैं सफर में भी रोजा रखने की मेरे अंदर ताकत है, सफर में भी मैं रोजा रख सकता हूँ। فهل علي جناح, तो क्या मैं अगर रोजा रखूंगा तो कोई गुनाह तो नहीं होगा। فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصه من الله, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये एक रुखसत है अल्लाह की तरफ से। فمن اخذ بها فحسن, जो ये रुखसत का इस्तेमाल करता है तो ठीक है। وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ, जो पसंद करता है कि रोजा रखे तो भी कोई गुनाह नहीं है। मतलब क्या, आप सफर में हो, अब आपका दिल चाह रहा है, आपको लग रहा है नहीं मेरे पास ताकत है, एयर कंडीशन ट्रैवल ही है, एरोप्लेन में भी मे बी एयर कंडीशनिंग है, मतलब कूल एनवायरमेंट है, एयरपोर्ट में भी कंफर्टेबल है, और आपको लग रहा है नहीं मैं रख सकता हूँ रोजा, तो आप इस रुखसत का इस्तेमाल ना करो और रोजा रख लो तो भी ठीक है, और अगर इस्तेमाल करो तो भी ठीक है, आपके ऊपर चॉइस है, रोजे मुसाफिर को चॉइस। ज़ेड भाई यू आर स्टक, जैद भाई की आवाज नहीं आ रही है, टेंशन ना ले, एंड ही शुड बी कमिंग बैक इंशाल्लाह वेरी सून। इजियर शकील भाई, बीच बीच में कटता भी है कॉल। क्या कुछ डिस्टर्बेंस, मतलब बीच बीच में कुछ वो आ रहा था? नहीं 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 होता सर। ओके, ठीक है, मतलब स्मूथ था ना ऑडियो? जी जी स्मूथ था, स्मूथ था। पहले फेड आउट होता था स्टार्ट में, बाद में नहीं। तब तक मैं ये देखें, ओके, तो हम सफर के मुतालिक हदीस देख रहे थे, स्टार्ट करते हैं हदीस सफर के मुतालिक। जी, तो फर्स्ट हदीस हमने देख ली है इस मौजू पर, जो रुखसत वाली हदीस, ठीक है, अब हम सेकंड हदीस देख रहे हैं। टॉपिक हाँ, सेकेंड हदीस इस मौजू पे ये है कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम देखते हैं कि 17 रमजान थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर पर थे, हाँ सफर पर थे, और सहाबा कहते हैं फमिन्ना मन सामा, हमें ऐसे भी लोग थे जो रोजा रखे हुए थे और हमें ऐसे भी लोग थे जिन्होंने रोजा नहीं रखा था। फलम यइब सौइमु अलल मुफ्तिरी, और रोजेदार जो थे वो जो नहीं रोजा रखे उन पे ऐब नहीं करते थे, अरे तुमने रोजा क्यों नहीं रखे। वलल मुफ्तिरु अलस सौइमी, ना जो वो लोग जो रोजा नहीं रखे हैं वो लोग रोजेदारों को कोई ऐब देते, यानी कहते कि तुमने रोजा क्यों नहीं रखे हो, तुमने रोजा क्यों रखे हो।
यानी कि दोनों की एक दूसरे के साथ टॉलरेंस थी। हाँ, तो ये बात को हम लोगों को समझना चाहिए इंशाल्लाह। तीसरी चीज अल्लाह एक और बहुत ज़िब्बा, अस्सलाम वालेकुम। नहीं सिस्टर, वो शायद स्टक हो गए या फिर आई थिंक ही विल बी डिसकनेक्टेड एंड ही विल कम बैक सून। आप लोग वेट करें, अपने जितने भी क्वेश्चन है पहले देखें कि कई कोई और स्टूडेंट भी क्वेश्चन पूछ चुका है। अगर पूछ चुका है तो फिर आप वेट करें उसका आंसर आने के लिए। कोई नया क्वेश्चन है तो आप प्लीज टाइप करें एंड बस दुआ करें जैद भाई जल्दी आ जाए इंशाल्लाह। लेट्स वेट, शुड बी कमिंग। प्लीज आप ना रिपीट ना करें और क्यूएनए पे आप जैद भाई आ चुके हैं जी। मैं कह रहा था कि रोजे के ताल्लुक से हमने दो हदीसें देखे हैं और मैं तीसरी हदीस अभी जस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। इन द मीन टाइम हम जी किसी को कुछ सवाल पूछना है रोजे के ताल्लुक से पूछ सकते हैं आप। अगर इफ्तारी के करीब रोजा टूट जाए तो क्या कंटिन्यू करना चाहिए? अगर है एक्सीडेंटल, यानी कि एक होता है कि बाय मिस्टेक, तो उसका मामला अलग है, हम लोग देखने वाले हैं, और जानबूझ के किसी ने तोड़ा है तो फिर तो रोजा जब तक फिनिश लाइन तक नहीं पहुंचा तब तक रोजा हुआ नहीं मुकम्मल। हाँ, तो वो तो फिर से ही रखना पड़ेगा। लेकिन बाय मिस्टेक अगर टूट गया तो उसमें रुख्सतें हैं जैसे कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। जी इंशाल्लाह। सेकंड क्वेश्चन इज बिकॉज़ ऑफ कोरोना कुड नॉट डू रोजा लास्ट टाइम द होल ईयर आल्सो कुड नॉट कवर अप, व्हाट टू डू फॉर कफारा? बिकॉज़ ऑफ कोरोना क्या नहीं कर पाए, रोजा नहीं रख पाए, पूरा महीना रोजा नहीं रखे तो ये मतलब तो होल ईयर भी नहीं रख पाए अब ये रमजान आने तक, तो क्या करें? ओके कजा रोजे नहीं कर पाए। नहीं, कजा रोजे नहीं कर पाए तो अभी कजा कर लें। अभी बाज़ लोग कहते हैं कि उसके ना पेनल्टी देना होता है, कफारा देना होता है, लेकिन उस बारे में कोई दलील मौजूद नहीं है। लेकिन लेट नहीं करना चाहिए, बहुत लेट ये अच्छी बात नहीं है, आने वाले साल में ही कर देना चाहिए। अच्छा, मैं आगे बढ़ गया। एक भाई ने क्वेश्चन पूछा है कि रोजा फर्ज क्यों है, क्या आप हमको एक्सप्लेन कर सकते हैं? आई थिंक जो फर्स्ट वाली डे वन की है वो देख सकते हैं वीडियो। जी सॉरी, मैं जवाब दे रहा था, अनम्यूट हो गया था ब्रदर। तो रोजा हम देखते हैं बहुत सारे लोग हैं जो भूख से प्यास से गुजरते हैं। हाँ, भूख से प्यास से गुजरते एक्सपीरियंस करते हैं और उनकी उस फीलिंग को हम एक्सपीरियंस करते हैं। रोजे में सेल्फ कंट्रोल आता है। अगर आप खाने पीने का अपनी भूख और प्यास को कंट्रोल कर सको तो आप अपने बहुत सारे डिजायर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी बहुत सारी जो इंसान के अंदर अर्जेस होते हैं ना उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप हंगर और थर्स्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, सेल्फ कंट्रोल पैदा होता है और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मैंने फर्स्ट टू सेशंस में कवर किया था। ओके, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। हम पहले कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हाँ
जी हाँ सिस्टर थोड़ा आप होल्ड करें क्योंकि मैं फिनिश कर लेता हूँ। हेलो जी जी हाँ मैं वो इन बिटवीन ले रहा था जब तक मेरा पावर पॉइंट स्टार्ट हो रहा है तो अभी हो गया है ना तो मैं फिनिश करता हूँ। शेख इब्न उसैमीन ने एक बहुत इंटरेस्टिंग फतवा दिया है वो कहते हैं सफरुल मुहर्रम लैसा मुबीहन लिल फित्र जो हराम सफर होता है उसमें ये जो रोजा नहीं रखने की जो जो इजाजत है ना वो हराम सफर के लिए नहीं है क्योंकि बाज लोग क्या करते थे कि गर्मी के दिनों में रमजान आ रही है तो वो लोग वेकेशन पे निकल जाए कुछ ऐसे हराम लोकेशंस होते हैं वहां पे जाकर वहां पे रोजा नहीं रखेंगे बोले मुसाफिर हैं हम लोग और फिर उसके बाद रमजान के बाद में ठंडी के दिनों में रोजा रखेंगे इस टाइप के वो लोग करते थे। तो उन्होंने बताया कि अगर आप कोई हराम चीज के लिए जा रहे हो तो फिर आपको जो हलाल चीज का कंसेशन है वो वहां नहीं यूज कर सकते आपके लिए रमजान के रोजे फर्ज है और वो फर्जियत है आपके ऊपर से जो कंसेशन जो था मुसाफिर के लिए वो आपके लिए नहीं जब जानबूझ के खास रमजान की फर्जियत से बचने के लिए कि रमजान में गर्मी के दिनों में आ रही है तो मैं ठंडी के दिनों में रोजा रखूंगा ये करना बिल्कुल गलत बात है। तो वैसे चीज में रमजान के फर्ज रोजे के फर्जियत की बाकी रहेगी आपको फर्ज रोजे वो पूरे करने होंगे। हराम सफर के अंदर ये कंसेशन नहीं है जो मुसाफिर वाला कंसेशन है हराम सफर में नहीं है। ओके अच्छा बीच दिन में कोई आ गया वापस तो उसके लिए भी इमसाक फलाइसा अलैहि इमसाक उसके लिए भी इमसाक नहीं जो इंसाफ हम इंसान इमसाक का कंसेप्ट कोई सफर से आ गया वापस बीच दिन में तो भी उसके लिए नहीं है। और मान लो कि बीच दिन में जा रहे हैं सफर पर जैसे सुबह से रोजा शुरू हो रहा है हम 11 बजे सफर पर निकलने वाले तो रोजा रखें नहीं रखें तो ऐसा हो चुका है नसर उद्दीन को देखा किसी ने साहबी रसूल मोहम्मद बिन काब जो ताबई है वो कहते हैं कि मैं आया आता तो अनस बिन मालिक फी रमदान मैं रमदान में उनके पास आया वह हुआ युरीदु सफरन उनका सफर का इरादा था वक़द रुहिलत लहू राहिलतुहु उनकी सवारी बिल्कुल तैयार थी वह लबिसा सियाब सफर वो सफर के कपड़े पहने हुए थे फदा बितामिन उन्होंने खाना मंगाया फाकला खाना खाया फकुलतु लहू सुन्नतुन तो उन्होंने कहा कि क्या ये सुन्नत है काला सुन्नतुन हुआ तुम रकीबा कहा कि ये सुन्नत है और फिर वो सवार हुए यानी कि ऐसा नहीं कि अभी निकले नहीं होना तो अभी कैसे रोजा नहीं रखे हो तो नहीं आप निकलने वाले हो ना 11 बजे या सुबह में एक दो घंटे बाद निकलने वाले हो तो फिर सफर में रोजा नहीं रखने की जो रुखसत है वो कंसेशन आप यूज कर सकते हो ये सुन्नत भी है। और अगर मुश्किल हो जाए सफर में बहादुरी में आदमी ने रोजा रख लिया लेकिन कभी ऐसा हुआ कि अनएक्सपेक्टेड मुश्किलें आ जाए तो हम देखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर में थे लोगों को मुश्किल हो गई थी रोजा रखना मुश्किल हो गया था तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो खबर मिली तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्याला मंगाया और मंगा करके उठाया यहाँ तक आके सब लोगों ने देख लिया और फिर पी करके रोजा तोड़ दिया। और वो वक्त था कब हम देखते हैं वो वक्त था असर के वक्त था असर का वक्त था यानी कि वो टाइम पे भी जाकर रोजा तोड़ सकते हैं अगर मुसाफिर हैं आदमी ने रख लिया आप सफर के अंदर अनएक्सपेक्टेड मुश्किलें आ गई तो आप उसके अंदर रोजा तोड़ सकते हैं। एक बार क्या हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या देखा कि लोग जमा है फराज जिहामन व रजुलन कादा ज़ुल्लिला अलैहि एक आदमी है उसके ऊपर लोग साया किए हुए फकाल मा हदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मामला है फकालु सौम कहा कि ये रोजा रखे हुए फकाल लैसा मिनल बिर्र सौम फी सफर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये नेकी नहीं है कि कोई ऐसे सफर में रोजा रखे मतलब सफर में रोजा रखे कब कहा जब इस टाइप का बिहेवियर देखा कि भाई लोग साया कर रहे हैं एक आदमी परेशान से मुश्किल में आ गया है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये नेकी नहीं है तुम्हारा हमारे यहाँ नेकी के कंसेप्ट में ये चीज नहीं मिलती ये नेकी नहीं है। ओके इंशाल्लाह चलिए हम आगे बढ़ते हैं आगे हम बढ़ते हैं बुजुर्ग कोई बुजुर्ग मर्द हो या औरतें हैं बुजुर्ग मर्द हो या औरत हो जिनकी उम्र बड़ी हो गई है रोजा नहीं रख सकते हैं तो उनके सामने उनके लिए मैं आपको उनके लिए बहुत ब्यूटीफुल बात रखना चाहता हूँ और कुरान की आयत है वाले लदीन युतवक्कूनहु कि जो लोग मुश्किल से कर पाए तो फिद्यतुन ताम मिस्कीन उनके लिए है कि वो रोजा वो फिदिया दे फिदिया अब देखो टर्म्स फर्क करिए एक इमसाक वर्ड आ चुका है हा? फिर एक है कजा रोजे का कजा यानी रोजा जो कजा है वो बाद में किए जाए यानी जो रोजा है उसको बाद में पूरा किया जाए अब आ रहा है फिदिया यानी रोजे के बदले में पैसे पैसे दे देना फिदिया दे देना फिदियतुन ताम मिस्कीन एक मिस्कीन को खाना खिलाना तो इब्न अब्बास क्या बताते हैं वो कहते हैं कि यह आयत मनसूख नहीं है। देखिए क्या हुआ रोजे की जो फर्जियत है एक साथ में नहीं आ गई शुरू शुरू में क्या था
कि जो रख सकता है वो रखे, जो नहीं रख सकता है वो ताम मिस्किन मिस्किन को खाना खिलाए। तो युतवको न हो, वो कहते हैं फला युति को न हो, इसका मतलब ये है कि वो मुश्किल से रख पा रहे हैं, वो जो मुश्किल से रख पा रहे हैं ये मतलब है। तो काला इब्न अब्बास लई सब भी मनसूखा, मनसूखा ये आयत मनसूख नहीं है। हुआ शेखुल कबीर वल मर अतुल कबीरा, कोई बूढ़े आदमी और बूढ़ी औरत के लिए है ये। लास्तति आनिया यसूमा, जो रोजा नहीं रख सकते हैं। फयुत इमानी मकाना कुल्ली यौम मिस्कीनन, तो उन्हें चाहिए कि हर दिन के बदले में एक गरीब को खाना खिलाए, हर दिन के बदले में एक गरीब को खाना खिलाए। किसके लिए? बुजुर्ग मर्द और बुजुर्ग औरतों के लिए। हम देखते हैं हमारे दीन में ऐसा नहीं है कि तुम बूढ़े हो गए तो क्या हुआ, तुम बीमार हो तो क्या हुआ, रोजा तो रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अनरीजनेबल चीज नहीं। अल्लाह ताला अर्रहमान है और रहीम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बना के भेजा गया था, ये रहमत वाला दीन है, अंडरस्टैंडिंग वाला दीन है। इस दीन के अंदर इंसानों के प्रॉब्लम्स को समझा गया है और अल्लाह ताला शफकत करने वाला है, नरमी करने वाला है, हमें नरमी की तालीम भी दी गई है। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यहाँ पे ये बात हमें सिखाई गई है और हर दिन के बदले में एक दिन को एक शख्स को रोजा खिला, एक शख्स को खाना खिलाना है। और इसके अंदर हम आगे पहले मरीज का टॉपिक समझते हैं, फिर हम वो भी देखेंगे फिदिया का। फमन काना मिनकुम मरीदन अव अला सफरिन, तुम में से जो मरीज हो या सफर पे हो। फइद्दतु मिन अय्यामिन उखर, उसे वो दिन पूरे करने हैं। कब? मिन अय्यामिन उखर, दूसरे दिनों में पूरा करना है। किसे? मरीज हो या सफर हो। ये कौन सा मरीज है? जिसकी रिकवरी की उम्मीद है, जिसके शिफा की उम्मीद है, जो टेम्पररी बीमार है, उसके लिए उम्मीद है। तो वो फइद्दतु मिन अय्यामिन उखर, यानी कि दूसरे दिनों में पूरा करे, जरूरी नहीं है साथ में रखे, ये भी जरूरी नहीं। अब इसके अंदर मरीज के तालुक से चंद तफसीलात। अगर मरीज ऐसा मरीज है जो रोजे से मुतासर नहीं होता है ना, बीमार तो है लेकिन रोजा रख सकता है, तो उसे चाहिए कि रोजा रख लेना चाहिए। हाँ, उसे उसके रोजा रख लेना चाहिए, लेकिन ना रखना भी उसके लिए जायज है। मतलब अगर सेफ्टी के तौर पर नहीं रखा तो भी जायज है, लेकिन रख लेना क्या है, बेहतर है, अफजल है। और अगर रोजा रखने में उसके लिए मुश्किल हो या नुकसान होने का चांस है तो उसके लिए मकरूह है। हाँ, और उसके लिए छोड़ना मसनून है, यानी कि साबित है कि छोड़ दे, रोजा ना रखे। और रोजा रखने में मुश्किल भी है और नुकसान भी है। मतलब अगर मुश्किल है और नुकसान नहीं है तो मकरूह है, लेकिन मुश्किल भी है और नुकसान भी है तो उसके लिए रोजा रखना मना है, हराम है। फर्ज समझिए, मुश्किल है नुकसान नहीं तो उसके लिए मकरूह है, मुश्किल भी है नुकसान भी है उसके लिए हराम है। हाँ, ये दोनों का हम फर्क समझ रहे हैं। बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट है, ताकि हम इस बात को याद रखेंगे। और इसके अंदर वो मरीज की बात हम कर लेते हैं जिनके लिए शिफा की उम्मीद नहीं है, तो उनके लिए ये जो हमने बुजुर्ग मर्द और औरत वाला कंसेशन देखा ना, फिदयतुन ताम मिस्कीन, वो उनके लिए भी है जो ऐसे मरीज हो एंड स्टेज, जिनकी शिफा की उम्मीद नहीं है, जो रख नहीं सकते, उनके लिए नुकसान भी है। अब वो बाद में ठीक होने की उम्मीद, किडनी फेलियर हो गया है, अब एक्सपेक्टेशन इतना किडनी फेलियर केस के अंदर एक्सपेक्टेशन एंड स्टेज वाले कुछ केसेस होते हैं, तो एंड स्टेज वाला मामला है, तो फिर उनके लिए क्या है मामला, वो फिदिया का कंसेशन इस्तेमाल कर सकते हैं इंशाल्लाह। अब फिदिया का कंसेशन कैसे इस्तेमाल करें, मैं आपको बताऊं कि एक साथ में भी 30 लोगों को बुला करके खाना खिला सकते हैं, जैसे कि हदीस आगे आने वाली है। अगला सवाल, हामिला और दूध पिलाने वाली औरत के ताल्लुक से, जो प्रेग्नेंट है और दूध पिलाने वाली है, तो उनके ताल्लुक से इब्न अब्बास क्या कहते हैं। इदा खाफतिल हामिलु अला नफसिहा, जो हामिला जो प्रेग्नेंट औरत है, अगर उसको डर है अपने खुद के ताल्लुक से, यानी डर है, उसे खौफ है कि वो रोजा रखेगी तो उसकी सेहत डाउन हो जाएगी, डॉक्टर बोल रहे हैं कि इतने किलो बड़ा नहीं है, और अगर उसको डर है खुद के ताल्लुक से, और दूसरी सिचुएशन कहिए, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा वल मुर्दी वाला वलदीहा, जो दूध पिलाने वाली है उसे फिक्र अपने बच्चे की, फी रमदान, बच्चे की फिक्र क्यों है, कि वो बच्चा माँ के दूध पर है, और अगर माँ रोजा रखेगी, दूध का सप्लाई अगर कम होने के डर है, और ये डर की वजह से उसके बच्चे को नुकसान हो सकता है, तो इब्न अब्बास रदिल्लाहु अन्हु ने कहा काला युफ्तिरानी वयुतिमानी मकान कुल्लि यौमिन मिस्कीनन वला यक्दियानी सौमन, कि ये दोनों कौन, दोनों हामिला जिसे डर है बच्चे के लिए, अगर डर नहीं है, कॉन्फिडेंस है, अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो जाएगा, कर लूंगी मैं रोजा, तो याद रखिए रमदान के रोजे रमदान में रखना ही बेस्ट लगता है। रमदान के रोजे रमदान के बाद में रखना कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। रमदान में कंसेशन अगर
ज्यादा इस्तेमाल कर लिए, कंसेशन थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल कर लिए, तो बाद में वो बर्डन रहता है। रमजान में सब लोग रोजा रख रहे हैं, उनके साथ में रोजा रखना अच्छा रहता है। लेकिन अगर कोई प्रेग्नेंट औरत को डर है कि उसकी बच्चे को नुकसान हो जाएगा, या कोई दूध पिलाने वाली औरत को डर है कि नुकसान होगा, दूध नहीं मिलेगा, बच्चे की सेहत पर प्रॉब्लम आ सकता है, रिस्क टू लाइफ हो सकता है, छोटा बच्चा है, तो फिर ये दोनों को क्या कंसेशन दिया गया है, जरा गौर से देखिए। वो युत ईमानी मकाना को लियो में मिस्कीनन, वो फिदिया दे सकती हैं, यानी कि कजा नहीं, उनको फिदिया भी देने का कंसेशन यहाँ पर मौजूद है। जैसे कि तफसीर सूरह अल बकरा अगर आप देखेंगे तो ये हदीस इस बारे में आती है, और हदीस सही सनद से अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से। अब यहाँ पे आप बात समझिए, देखिए क्या होता है कि कई औरतों का ये मामला है कि प्रेग्नेंट है, एक साल, अब रोजा कजा नहीं हुआ, कजा करना था, कजा नहीं रख पाए, फिर अगले साल दूध पिला रही है, दूध पिलाने में रिस्क लग रहा है, बच्ची को रिस्क है, और एक साल रिस्क है, फिर दूसरे साल फिर से दूध पिला रही है, यानी अभी तीन साल के रोजे जमा हो गए, फिर चौथे साल फिर से प्रेग्नेंट हो गई, तो कितने साल के रोजे जमा हो जाएंगे उनके। तो हम देखते हैं कि हामिला और दूध पिलाने वाली को ये एक स्पेशल कंसेशन है जो बुजुर्ग मर्द और औरत को दिया हुआ है, जो एंड स्टेज बीमारी में है, जो ऐसी बीमारी जिससे शिफा की उम्मीद नहीं है, वही सेम कंसेशन दूध पिलाने वाली और प्रेग्नेंट और प्रेग्नेंट औरत को दिया गया है, जिन्हें डर है, जिन्हें डर नहीं उनके लिए नहीं। हाँ, याद रखिएगा इस बात, ये हमारा दीन है, ये चार चीजें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और शेख इब्न उसैमीन ने इस मसले को और समझाते हुए अपनी फतावे में ये बताया है कि अगर हामिला अगर दूध पिलाने वाली मजबूत है, तंदुरुस्त है, उसके अंदर ताकत है कि रोजे के दौरान मुश्किल पैदा नहीं होगी, तो उसके लिए तो जरूरी है वो रोजा रखे। हाँ, जो हामिला हो, दूध पिलाने वाली हो, मजबूत है, ताकत वाली हो। हाँ, ठीक है, इंशाल्लाह। चलिए अब हम आते हैं सहरी और ये लास्ट सेक्शन कवर करके मैं सवाल और जवाब लूंगा इंशाल्लाह। तो पांच आज करेंगे, पांच नेक्स्ट टाइम करेंगे इंशाल्लाह। और सहरी और इफ्तार के अंदर आइए सहरी से शुरुआत करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तसाहरु, सहरी करो, फैना फिस सहूरी बरका, सहरी में बरकत है। हाँ, सहरी में बरकत है, भले ही थोड़ा सा कुछ बोला, बिजू रातिम बिमा, चाहे थोड़ा सा तुम पानी क्यों ना पी लो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नीम सहूरुल मोमिनी मोमिनी तम्र, मोमिन का कितना अच्छा सहरी है, खजूर, यानी खजूर बहुत बेहतरीन सहरी है। तो रेकमेंड किया गया कि खजूर हम खाएं, तो बाकी चीजें खाएं, जो भी खाना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ खजूर खाना है, लेकिन खजूर को इंक्लूड करने की हम कोशिश करें। अबू दाऊद में सही हदीस है। और सहरी का वक्त कब तक है, जैसे लोग जो ऐलान करते हैं ना, सहरी का वक्त खत्म हो गया, तभी अगर आप देखोगे ना, वक्त खत्म नहीं हुआ होता है। देखिए, आप लोगों से मत देखिए, उलमा इकराम में इख्तलाफ भी होते हैं, हम देखते हैं किनके पास प्रूफ मजबूत है। तो यहाँ पे आप ये देखोगे, कब तक हत्ता ये तबयन लकुम अलखैतुल अबयदु मिन अलखैतिल अस्वदी मिन अलफजर, यहां तक के सफेद धागा वाजे हो जाए काले धागे से, मिन अलफजर, फजर का। तो फजर का वक्त कब होता है, सुबह सादिक। तो सुबह सादिक से पांच मिनट पहले सहरी का वक्त खत्म होता है, किसी भी हदीस में। हाँ, और कुरान की आयत इस बारे में वाजे है, मिन अलफजर, फजर तक। और सुबह सादिक तक वक्त है लास्ट, सुबह सादिक के बाद में, हाँ, मिन अलफजर। सोचो, और ऐसा होता है कि कभी ग्लास हाथ में बस पीने वाले हैं, इज़ा समिया अहदुकुम निदा, वो अजान सुनी, वल इना वाला यदि उसके हाथ में ग्लास है, फला यदाहु हत्ता यक्दिया हाजतहु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अभी तुम्हारे हाथ में ग्लास है, जैसे भी ये बॉटल ले सपोज, और मैं पीने वाला हूं, और अजान हो गई, अभी अगर कोई ऐसी सिचुएशन में उसे कहा जाए रख दो, अब तुम्हें नहीं मिलने वाला है, तो हो सकता है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फला यदाहु, अब नहीं रख सकते, अब नहीं रखना, यहां तक कि अपनी हाजत पूरी ना कर लो। यानी हाजत कितनी है, अगर हाजत है इतनी हाजत है, एक ही सिप पीने का था, नो प्रॉब्लम, अगर हाजत थी कि पूरा ग्लास पी जाओ, रखना मत जब तक कि हाजत ना पूरा कर लो। हाँ, और वकान अल मुअज्जिनु युअज्जिनु इज़ा बज़ग़ अल फज्र, ये हदीस एक और वजाहत आ रही है, हदीस अबू दाऊद में है, हाकिम में है, मुस्नद अहमद, कि मुअज्जिन अजान कब देता, जब फज्र होती तब अजान देता। तो मुअज्जिन की अजान आती तब, लेकिन हमारे यहाँ तीन टाइम है, जरा आगाह रही, हमारे यहाँ अक्सर बहुत सी जगहों पर सब जगह नहीं, एक है इमसाक का वक्त बोलते हैं, यहाँ पे रुक जाओ, सहरी का वक्त खत्म हो गया, फिर एक है जो असल फज्र का वक्त सुबह सादिक, फिर उसके थोड़ी देर बाद अजान होती, हालांकि अजान होनी चाहिए सुबह सादिक पर ही,
सुबह सादिक से थोड़ी देर बाद नहीं अजान होनी चाहिए, अजान होनी चाहिए सुबह सादिक के वक्त पर, और सुबह सादिक तक सहरी का वक्त चलेगा। तो तीन वक्त में कंफ्यूज नहीं होना है, जो सही वक्त है आपको, आज तो माशाल्लाह बहुत सारे ऐप्स हैं जो आपको सहरी का वक्त बता देंगे इंशाल्लाह। जो सहरी का वक्त बताने में, याद रखिए ऐप्स में भी करप्शन आ जाता है, ऐप्स में भी इंसाफ का वक्त और ये दो वक्त दिए होते हैं, लेकिन जो सुबह सादिक का वक्त है वो वक्त तक हम सहरी खा सकते हैं इंशाल्लाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तसाहरु सहरी करो, वलाव बीजुर अति मिम्मा, चाहे पानी का एक घूंट ही क्यों ना पियो। कभी ऐसा होता है ना लास्ट लास्ट में आपको लिए बस एक घूंट पानी पी सकते हैं, उतनी तो सहरी करो, बरकत है उसमें, उसमें भी बरकत है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अक्लत सहरा, हमारी सहरी और हमारे रोजे और अहले किताब के रोजे में फर्क है कि हमें सहरी खाना, सहरी फर्क है, यानी हमारे लिए सहरी अल्हम्दुलिल्लाह है, ये एक फर्क है। सहरी का टाइम कब है? तो सहरी का टाइम हम देखते हैं कि यानी जितना लेट, यानी कि सुबह सादिक से करीब जाकर, यानी कि लास्ट की 15-20 मिनट, जैसे बाज लोगों की आदत क्या है ना, रात में जागते हैं सहरी से एक घंटा पहले, डेढ़ घंटा पहले सहरी करके फिर सो जाएंगे, फजर भी मिस होगी, फिर सीधा जोहर में, जोहर के बाद उठते हैं, तो ये तो गलत है। यानी सहरी का वक्त एक्चुअली क्या है ना, जितना सहरी में ताखीर करेंगे उतना बेहतर होगा, हाँ उतना बेहतर होगा। अन्न नबी असलासम वज़ैद बिन साबित तसाहरा, के जैद बिन साबित और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी किए, फलम्मा फरगा मिन सहूरिहिमा, जब वो सहरी से फारिग हुए, قام النبي صلى الله عليه وسلم الى الصلاه فصلى فقلنا لانس, तो उन्होंने जब सहरी से फारिग हुए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े हुए, फजर की नमाज के लिए खड़े हुए, सुन्नत के लिए खड़े हुए, فقلنا لانس, انس अदलान से पूछा, कम काना بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاه, कितना वक्त रहा होगा दोनों के दरमियान में कि सहरी खत्म हुई और नमाज शुरू हुई, तो इन दोनों के बीच में कितना टाइम था, कद्र मा यकरा रजुलु खमसीना, उतना वक्त उन्होंने कहा कि 50 आयतें को पढ़े, उतना वक्त था यानी नमाज शुरू होने में, और इसमें ये बात हमें मिलती है। अब इफ्तार पे आते, इफ्तार में ला यज़ालु नासु बिखैरिन मा अज्जलुल फित्र, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोग तब तक खैर पर रहेंगे जब तक के इफ्तार में जल्दी करेंगे। जल्दी करेंगे का मतलब क्या है, इफ्तार का टाइम होने के बाद जल्दी करेंगे, ऑब्वियसली इफ्तार के वक्त से पहले जल्दी नहीं, मतलब सनसेट हो गया, गुरूब हो गया, तो तब आपको क्या करना है, इफ्तार करना है, उसमें ताखिर करना। बाज लोग ग्रेस मार्जिन रखते हैं 5-10 मिनट ग्रेस, और बाज लोग जैसे शियाओं में तो 1-1.5 घंटे बाद इफ्तार करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि अज्जलुल फित्र जल्दी करना चाहिए, यानी वक्त होने के बाद जल्दी करना चाहिए, और तब तक खैर पर रहेंगे। कब तक खैर पर रहेंगे, जब तक इफ्तार में जल्दी करेंगे, जब जल्दी करना छोड़ देंगे तब खैर से भी दूर हो जाएंगे। और अगली चीज इफ्तार के ताल्लुक से हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तज़ालु उम्मती अला सुन्नती, मेरी उम्मत तब तक मेरी सुन्नत पे होगी, मालम तंतज़िरु बिफित्री हर नुजूम, तब तक जब तक वो सितारों के निकलने का ना इंतजार करें इफ्तार के लिए। और जैसे कि हम देखते हैं शिया हज़रात जो सुन्नतों को नहीं मानते, जो सहाबा को नहीं, कोई काफिर कहते हैं अल्लाह मुस्तान, तो वो लोग सितारों का जब निकलने लगते हैं तब जाके वो इफ्तार करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज की जैसे पेशन गोई की, इस हदीस में जैसे कि पेशन गोई उस चीज की मौजूद है। काला वो काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा कान सौइम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के बारे में आता है कि जब वो रोजे से होते तो अमरा रजुलन, वो एक आदमी को हुक्म देते, फाउफा अला शही, के वो किसी चीज पे चढ़ जाए, चढ़ जाओ, हाँ चढ़ जाओ, फैदा काला गाबत शम्स अफ्तर, जब वो चढ़े हुए शख्स देख रहे हैं सूरज को देख रहे हैं, जब वो कहते हैं गाबत शम्स, सूरज डूब गया, तो अफ्तर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार कर लेते। यानी सूरज, जैसे सूरज का जो होता है कर्व जमीन से नीचे हो गया, इफ्तार कर लो। लेकिन हम लोग जब एक टाइम टेबल पे डिपेंड होते हैं, और टाइम टेबल के अंदर कभी एक मिनट का एक जो इशू होता है कि भाई वो मिनट जो है पर्टिकुलर, तो ज्यादा से ज्यादा अगर कोई रुक रहा होता है तो चंद सेकेंड, ताकि वो मिनट मुकम्मल हो जाए, राउंड बराबर हो जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि जो क्लॉक्स के अंदर दिया हुआ होता है उसको राउंड फिगर कर देते हैं। मतलब मिसाल के तौर पर अगर मान लीजिए जैसे 5:35:30, 29 seconds है, तो उसको 5:35 कर देते हैं राउंड फिगर करने में, जो डिजिटल जो कैलकुलेशन है, ज्यादा से ज्यादा आदमी कर सकता है कि एक सेफ मार्जिन अगर रुकना भी होता तो 30 सेकेंड रुक जाता, 1 मिनट रुक जाता,
लेकिन जो 5 मिनट 10 मिनट लोग रुकते हैं तो ये तो बिल्कुल सही नहीं लगता है इस हदीस की रोशनी में। देखिए ना ये हदीस सामने आपके, मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, देखो ये जो कंफ्यूजन होता है ना आपके सामने, जब अल्लाह का फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आ जाए ना तो कंफ्यूजन हमारा नहीं है। यहाँ पे क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज पर चढ़ाते, जब देखने वाला देखकर कहता गाबत शम्स तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार कर लेते, जैसे कि हमें इस हदीस में मिल रहा है। काना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युफ्तिरु क़ब्ल अन युसल्लिया अला रुतबात, के नमाज से पहले इफ्तार करते अला रुतबात गीले खजूरों से, वइलम यकुन रुतबात फतुमैरात, अगर गीले खजूर ना हो तो खुश खजूर जो सूखे खजूर है वो ले लेते हैं, वइलम तकुन तुमैरात हसा हसवात मिम्मा, अगर खुश खजूर भी ना हो सूखे खजूर भी ना हो तो थोड़ा सा पानी का घूंट पी लेते हैं। यानी ये प्रेफरेबल किस चीज से इफ्तार करना है, इस चीज से इफ्तार करना है। और जो इफ्तार के वक्त पे जो साबित खाने पीने के बाद जो साबित दुआ है वो ये है ज़हबा ज़मा वक्तलतिल उरूब वसबतल अजरु इंशाल्लाह, के प्याज बुझ गई हाँ और रगे तर हो गई और अजर पक्का हो गया इंशाल्लाह। ये खाने से, खाने के बाद है, खाने के पहले नहीं है। खाने से पहले क्या है, बिस्मिल्लाह, खाने के पहले बिस्मिल्लाह जैसे हम कहते हैं, और खाने के बाद में ज़हबा ज़मा वक्तलतिल उरूब वसबतल अजरु इंशाल्लाह। जो बाकी बाज दुआएं जो लोग पढ़ते हैं वो सही हदीसों से साबित नहीं है, उसके ताल्लुक से बाज के ताल्लुक ज़ईफ हदीसें कम से कम है, तो अगर किसी की नज़र में है कि ये हदीस फला हदीस सही है और कोई पढ़ता है तो अलग बात होती, लेकिन इस बारे में सही हदीस नहीं मिलती कि इफ्तार की फला दुआ है और इफ्तार की फला दुआ सही हदीस यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं है, जो आपके सामने है ये कन्फर्म्ड है, आप ये दुआ पढ़ सकते हैं इंशाल्लाह। और ये एक मशहूर ज़ईफ हदीस का सुनतु वाला रिस्की काफ्तर तो, लेकिन ये हदीस सनदन ज़ईफ है। और एक और ज़ईफ हदीस जो इस बारे में कहा जाता है, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा लका सुनतु वाला रिस्की काफ्तर तो वालेका तवक्कलतु सुभानका व बिहमदिका तकब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम, तो ये भी हदीस सनदन ज़ईफ है, ये दोनों ज़ईफ हदीस है, सही हदीस से सबूत नहीं मिलता। आइए अब हम सवाल जवाब शुरू करते हैं, मैं सारे सवाल इंशाल्लाह कवर करूंगा और फिर ही आज का ये सेशन खत्म करूंगा इंशाल्लाह। और सवाल इसके बाद जो आएंगे वो हम नहीं काउंट करेंगे, जो अभी आए हैं उन्हें काउंट कर रहे हैं। ओके, वक्त बच गया तो देखेंगे, वक्त नहीं बचा तो नहीं देखेंगे। ओके, फर्स्ट से करें। जी क्या बोले आप? नहीं, मैंने कहा फर्स्ट से करें आप, ऊपर से एकदम। हाँ मैं टॉप से कर रहा हूँ, टॉप से। जिसका पेंटिंग प्रोफेशन है वो रमजान में भी ड्रॉ कर सकता है। देखिए रमजान हो या गैर रमजान हो, आपको वही चीज करना है जिससे अल्लाह ताला राजी हो, जो कुरान और हदीस में जिसकी दलील मिलती है, जायज हलाल दायरा बहुत बड़ा है, दिन भर साल भर जिंदगी भर कि हमें हलाल दायरे में जिंदगी गुजारनी चाहिए, उसमें हमारे लिए आफियत है, दुनिया की भी आफियत है, आखिरत की भी आफियत है। अब कोई है जो नॉन लिविंग थिंग्स ड्रॉ कर रहा है, ड्रॉइंग, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो नॉन लिविंग थिंग्स को ड्रॉ करता है उसे कयामत के दिन रूह डालने कहा जाएगा, वो रूह और फिर उसी चीज के जरिए अल्लाह मुश्किल भी है और बहुत सारी बेहयाइयां बुराइयां भी इस वजह से होती है। तो अगर कोई भाई है जो इस प्रोफेशन में है उसको तो, अगर प्रोफेशन गलत है तो साल भर नहीं करना चाहिए। अब अगर उसके दिल में इतना जज्बा है कि बोले मैं कम से कम रमजान में नहीं करूंगा, 11 महीना में से एक महीना तो माइनस होगा, तो हम कहते, हम ये नहीं कहेंगे ये महीने में करो करो, हम ये नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे मत चलो नहीं करो नहीं करो अच्छी बात, लेकिन हम उसको उभारेंगे कि क्यों ना आप ऐसा करो कि ये महीना खत्म हो जाए, उसके बाद भी कोई और प्रोफेशन देख लो इंशाल्लाह। नेक्स्ट, रोजे की हालत में ड्रिप ग्लूकोज लगाना कैसा है, ये सवाल आगे आने वाला है। जिस चीज में गिजा है, जैसे ग्लूकोज में गिजा है, वो चीज नहीं लगा सकते हैं। जिस चीज में सिर्फ आप ये देखिए कोई मेडिसिन है, जैसे कोई इंजेक्शन दिया जा रहा है, तो वो चीज कर सकते हैं। आगे इंशाल्लाह ये चीज अगले संडे आने वाली है। अगले संडे का टाइमिंग हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा तरावी के हिसाब से, है ना, रमजान में हम होंगे। प्लीज कंफर्म करिए क्या टाइम होगा इसमें। जी टाइम मेरे ख्याल से सुबह में कैसा रहेगा, सब स्टूडेंट्स कंफर्म करें, 11 बजे हम क्लास रखेंगे तो कैसा रहेगा, मॉर्निंग 11 o'clock इंडिया के हिसाब से पहला रोजा रहेगा शायद। जी मॉर्निंग 11 बजे हम रखेंगे इंशाल्लाह, 11 से 1 में हम फिनिश कर लेंगे। ओके, तो मैं लास्ट क्लास होगी हमारी, मैं इंशाल्लाह कुछ चीजें तरावी के ताल्लुक से करूंगा, अगर 2 घंटे अच्छी तरह से मिल जाएंगे। प्रेग्नेंट औरतों के लिए क्या हुक्म है, मैं ले चुका हूँ। खजूर से क्या इफ्तार करना सुन्नत है, हाँ खजूर से इफ्तार करना सुन्नत है, जैसे कि हदीस सामने आ चुकी है, सुन्नत है।
I could not differentiate between periods and irregular bleeding as I don't have regular periods. तो आप इसके अंदर जो periods का वक्त जो होता है उसका जो time जो normally होता था जब period regular normal आते थे तो उसके time से पता चलेगा कि ये regular period है और वो उसके वक्त के बाद irregular period है और irregular bleeding है. इस ताल्लुक से आप देखेंगे इस्लाम क्यूए वगैरह पे फतवे भी मौजूद हैं और natural blood of women नाम की शेख बिलाल फिलिप्स की एक बुक भी है, बहुत अच्छी बुक है, उसके अंदर भी आपको मिल जाएगा डिफरेंशिएशन. हैज की वजह से अगर रोजे कजा हो गए हैं तो कुछ सालों के तो वो कजा रोजे एक साथ रख सकते हैं. हैज की वजह से जो रोजे कजा होना उसको हर साल साल में फिनिश कर लेना चाहिए, उन्हें सालों साल नहीं बचाना चाहिए. गए हैं तो पूरे कर लेना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, हाँ इतना लेट नहीं करना चाहिए. जो हो गया लेट तो अभी पूरा कर. सफर में हम रोजा रख सकते हैं, जी हाँ रख सकते हैं. नमाज नहीं पढ़ सकते, नमाज कसर पढ़ेंगे, कसर डिस्काउंट है कसर, और अगर मुश्किल है तो जमा भी करें, कसर और जमा दोनों ठीक है. क्या जो थूक है वो गल्पिंग सलाइवा पी लेने से क्या रोजा टूट जाता है? नहीं, रोजा नहीं टूटता है, वो चीज आगे आने वाली है इंशाल्लाह. और नमाज की हालत में अगर कोई पी ले, देखिए जो नॉर्मल चीज है ना, जो नॉर्मल जैसे थूक जैसे आ रही है जा रही है, और कभी किसी को ज्यादा थूक आ गई और पी ले तो भी वो रोजा नहीं टूटता और ना नमाज उससे टूटती है. किसी इंसान को रोजा रखने की ताकत नहीं तो वो इंसान क्या करे? अगर जेन्युइन बीमार है, अगर जेन्युइन तौर पे बीमार है तो टेम्पररी बीमार या तो परमानेंट बीमार, लेकिन ये ताकत नहीं तो उसे समझना चाहिए. बिकॉज क्या होता है, बांस लोग ऐसा बोलते हैं, मैंने एक अच्छे हट्टे आदमी को देखा, अब वो बोला मेरे पास ताकत नहीं है रोजा रखने की. आई कांट बिलीव इट, तुम्हारे पास ताकत नहीं है, जल्लाद ताकत अपने अंदर, लेकिन कोई जेन्युइनली बीमार है, किसी को मेडिकल हार्म हो सकता है, तकलीफ हो सकती है उसको, उसने कोशिश की, उसको प्रॉब्लम हो गया, अगर ऐसी कोई चीज है तो फिर वो बीमार की कैटेगरी में आ गया. और बीमार में टेम्पररी वाला है परमानेंट वाला है वो देख ले इंशाल्लाह. लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए कि कोई चीज परसेप्शन में, जैसे आदमी सोच रहे ना मुझसे नहीं होता, अरे कैसे नहीं होता, ये फर्ज है, ये हमारे भले के लिए अल्लाह ताला ने हमारे भले के लिए रखा. हाँ, तो आदमी उसके अंदर वापस फिर से अपने अंदर ताकत लाए इंशाल्लाह. अगर कोई शख्स रोजे का मामूल बना ले कि वो अजान होने तक खाए पिए तो क्या ये सही है? मैंने जैसे बताया अजान दो टाइम पे होती है हमारे यहाँ, कुछ मस्जिदें हैं जो सुबह सादिक के वक्त पर ही अजान देते हैं. अगर आपकी मस्जिद वैसी मस्जिद है जहां सुबह सादिक के वक्त पे अजान होती है तो अजान तक खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन बाज जगहों पर सुबह सादिक से 5 मिनट बाद अजान दी जाती है ना, रमजान में बाज लोग जल्दी भी ले आते हैं, उसको वैसा गैप नहीं रखते हैं, आम दिनों में ज्यादा प्रोनाउंस्ड होता है, 5 मिनट 10 मिनट बाद सुबह अजान देते हैं सुबह सादिक के. तो अगर आप चेक कर लो ऐप निकालकर, कोई सलातो के कोई भी ऐप जो होता है ना, इस्लाम 360 में भी है, नमाज टाइमिंग्स है उसके अंदर, खोल के एक बार चेक कर लो कि आपकी मस्जिद में जो अजान हो रही है तो वो फजर की अजान सुबह सादिक के वक्त पर हो रही है या लेट हो रही है. अगर लेट हो रही है और आप वेट कर रहे हो तब तक तो गलत हो रहा है ना. सुबह सादिक तक वक्त है अजान सहरी का, सुबह सादिक के बाद तो नहीं है ना, सुबह सादिक तक खा सकते हैं पी सकते हैं जी. नेक्स्ट, अभी स्टूडेंट के एग्जाम है, अगर हम रोजा छोड़ दें तो एग्जाम के लिए क्या हमको गुनाह मिलेगा? जी हाँ गुनाह मिलेगा. ये एग्जाम के लिए रोजा छोड़ देना बिल्कुल गलत बात है. थोड़ा अपने अंदर टफनेस पैदा करो, रोजा रख के बिस्मिल्लाह अल्लाह से मदद मांगो, अल्लाह के करीब होते हैं, अल्लाह ताला के करीब आता है बंदा. और स्टडी करो, जो लोग बोलते हैं ना मुझसे स्टडी नहीं होती, ऐसा नहीं करो, थोड़ा स्ट्रांग बनाओ अपने आप को इंशाल्लाह. हाँ, ऐसे वीक मत बनाओ, अल्लाह ताला की मदद मिलती है इसके अंदर. तो ये बिल्कुल सही नहीं है जो रोजे के अंदर रमजान के अंदर एग्जाम्स की वजह से रोजा नहीं रखे ना, तो बिल्कुल सही नहीं है. अपने अंदर स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ पैदा करो, बच्चे अगर ऐसा बोल रहे हैं उनको भी स्ट्रॉन्ग बनाओ इंशाल्लाह, हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं. रखते हैं ना लोग रोजा रख के एग्जाम्स, देते हैं लोग, करोड़ों करोड़ों मुसलमान देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी. रोजे की हालत में जोहर या असर नमाज के बाद रोजा मकरूह हो जाते हैं जाता है एक सवाल यहाँ ये आया है कि जोहर या असर के बाद नहाने से रोजा मकरूह हो जाता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, आप दिन में एनी टाइम नहा सकते हो. और इन्होंने जो सवाल पूछा गया उन्हें किसी ने कहा है
कि हमारे बॉडी के जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो भी रोजा रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कहानी है, स्टोरी है। और आपको पता है हमारा दीन महफूज दीन है, कोई बोलता है ना ऐसी हदीसें चेक कर सकते हैं, फिंगर टिप्स पे है, फिंगर टिप्स सॉफ्टवेयर है रेडीमेड। और अल्हम्दुलिल्लाह आजकल तो माशाल्लाह ट्रांसलेशन वाली सॉफ्टवेयर भी आ गई है काफी सारी, भले ही सब हदीसें नहीं आई है लेकिन बड़ा लार्ज पोर्शन ऑफ हदीस तो उसमें आ गया है। लेकिन अरबिक के अंदर जो सॉफ्टवेयर है फिंगर टिप्स पे सर्च कर सकते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी कर सकते हैं, ऐसे कोई ऐसे गप और स्टोरीज से हमें बचना चाहिए। ठीक है, लास्ट 2-3 ईयर्स से मेरे अब्बू बीमार हैं, उनकी मेमोरी भी लॉस हो गई है, तो रोजा नहीं रख सकते। देखिए मेमोरी लॉस हो गई यानी कि अगर उनके अंदर जैसे माइंड पर कंट्रोल नहीं है तो रोजे की फर्जियत ही नहीं है उनके लिए, हाँ रोजे की फर्जियत ही नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है कि माइंड पर कंट्रोल है सिर्फ मेमोरी याददाश्त चली गई तो बात अलग है, हाँ याददाश्त चली गई तो बात अलग है। सवाल यह है हम लोग उनकी तरफ से फिदिया भी नहीं दिए हैं जी, और अभी अब्बू फौत हो गए हैं, तो क्या अभी फिदिया दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, फिदिया दे सकते हैं, बल्कि ये फिदिया उनकी विरासत डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले उनके पैसों से वो फिदिया दी जाएगी। जिनके भी रोजे बाकी हो उनके रोजे के बदले में फिदिया दिया जाएगा। लेकिन रोजे दो टाइप के होते हैं, कुछ होते हैं जैसे रोजे रमजान के रोजे, उसके बदले में फिदिया देना साबित है। लेकिन जो होते हैं ना नजर के रोजे, मन्नत, किसी ने मन्नत मांगी थी कि ऐसा काम हो जाएगा मैं 1 महीना रोजा रखूंगा, 1 महीना रखने से पहले ही इंतकाल हो गया, तो ये तो इसका कोई फिदिया नहीं है, इसका क्या है मामला, ये कर्जा अल्लाह का, कोई वारिस को वो रोजे रखने होंगे, हाँ अगर मन्नत वाले रोजे हैं, हाँ रमदान के रोजे हैं तो फिर फिदिया दे सकते हैं। रोजा तोड़ना और रोजा छोड़ने के का क्या कफारा है? देखिए हम ये टॉपिक लेने वाले हैं, कफारा जो है ना आप अंडरस्टैंड करें, ये 3 चीजें हैं, सब लोग अंडरस्टैंड करें। देखिए एक है कजा, रोजा रख रहे हैं ना रोजा, रोजा जो छूट गया उसकी कजा करना है बाद में, जैसे बीमारी में छूट गया, सफर में छूट गया, कजा करो। एक है फिदिया, फिदिया क्या है? रोजे के बदले में पैसे देना, गरीब को खाना खिलाना, मिस्कीन को खाना खिलाना, तो ये है फिदिया। एक था कजा, एक है फिदिया। अब ये जो सवाल जो अनस खान ने सवाल पूछा है इसके अंदर इन्होंने कफारा के बारे में पूछा है। कफारा यानी कि क्या है, पेनल्टी क्या है? आपको पता है कि जो कफारे का टॉपिक एक्चुअली अगले वक्त हफ्ते आने वाला है तो तभी बता दूंगा मैं डिटेल में, हदीस के साथ में हम डिस्कस करने वाले हैं तो तभी हम कफारे का टॉपिक डिस्कस करें। ओके, सफर में बहुत मशक्कत होती है और रोजा तोड़ दे तो क्या उसका कफारा होगा? कफारा नहीं होगा, उसका सिर्फ कजा होगा, कफारा पेनल्टी नहीं होगी, सिर्फ कजा होगा। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हदीस आपके सामने आई है आज कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर पर थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन असर के वक्त पर जाकर रोजा तोड़े, हाँ सफर के अंदर, क्यों? क्योंकि उनको तोड़ते हुए देखकर बाकी लोगों ने तोड़ा, वो लोग डाउट में थे तोड़ सकते हैं नहीं तोड़ सकते। तो अगर आपने बहादुरी के साथ रोजा रख के शुरुआत की और आगे जाके बहुत मुश्किल होने लगी तो आप तोड़ भी सकते हैं। कौन सा रोजा? फर्ज रोजा भी तोड़ सकते हैं। कब तोड़ सकते हैं? सिर्फ सफर में, विदाउट सफर की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ बैठे बैठे को बोले मुश्किल हो रही थी मैं तोड़ दिया, बिल्कुल गलत बात, मुश्किल हो रही बर्दाश्त करो, अल्लाह रास्ता निकाले। नेक्स्ट, व्हाट इफ सम वे आई ब्रेक रोजा? तो अगर कोई रोजा तोड़ दे, देखिए दोनों का फर्क है, थर्स प्यास लग गई इसलिए तोड़ दिए तो बिल्कुल गलत है, इसके लिए आपको तौबा करना होगा और कजा करना होगा। रोजा कोई तोड़ देना तो तौबा करना होगा, कजा करना होगा। हाँ बीमारी की वजह से तोड़े हैं तो बीमारी के अंदर कंसेशन है कि बीमारी और सफर में कंसेशन है, तो अब इसके अंदर ये गुनाह नहीं है। जो बीमार इंसान है उसने बहादुरी से रोजा रखना शुरू किया, ज्यादा मुश्किल हो गई, तोड़ दो, कोई बात नहीं, आप बाद में पूरा करिए, हाँ इंशाल्लाह। लेकिन नॉर्मल इंसान करे तो उसने गुनाह किया, उसको तौबा करनी होगी, और बास तरीकों से तोड़ा है तो उसको उसका कफारा भी देना पड़ेगा। बास कुछ तरीकों से तोड़ने से कफारा होता है। एक सवाल है कि मैं प्रेग्नेंट हूं और ब्लड की कमी है, 9 ग्राम है, 8 मंथ चल रहा है और ठीक है, तो यहाँ ये सवाल है, बहन प्रेग्नेंट है, इनके लिए मुश्किल है इन शॉर्ट, तो क्या वो फिदिया दे सकती? जी हाँ दे सकती है, हदीस आपके सामने स्क्रीन पे आ चुकी है। इस मसले में उलमा में इख्तलाफ है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग बात है ना वो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास सहाबी रसूल का जो फतवा है, वो फतवे की रोशनी में आप बिल्कुल दे सकते हैं, एक रुखसत है, आसानी। और मैंने ऐसी बहनों के केसेस सुने हैं, उनके 3-3, 4-4 साल के
सिर्फ इस वजह से प्रेगनेंसी दूध पिला रहे, प्रेगनेंसी दूध पिला रहे, उसकी वजह से तीन तीन चार चार साल की रोजी जमा हो जाती है, तो उनके लिए कंसेशन है, वो फिदिया देते हैं इंशाल्लाह। हाँ जी, हमारे वालदैन इंतकाल कर गए तब उनके पहले के रोजे नहीं रखे थे, उनका फिदिया देना होगा? यस देना होगा, उनका फिदिया दे देना चाहिए। अगर डॉक्टर ने मना किया है कि रोजे के लिए, लेकिन दिल चाहता है रखने, तो क्या हुक्म है? हुक्म क्या आया? रोजा रखने में अगर तकलीफ है तो मकरूह है, लेकिन तकलीफ भी है और नुकसान भी है तो हराम है। नुकसान है तो हराम है, तो फिर रोजा तभी नहीं रख सकते हैं। अगर आप टेम्पररी बीमार है बाद में रोजा रख लीजिए, परमानेंट बीमार है या बहुत ओल्ड है तो फिर फिदिया दे दीजिए। मेरे पापा रोजे तो बड़े शौक से रखते हैं, लेकिन हमको ये डर है कि उनके शुगर ना बढ़ जाए, व्हाट टू डू? देखिए कैसा होता है कि शुगर मैनेजेबल लेवल पर होता है, हाँ मैनेजेबल लेवल पर होता है किसी का, तो अगर मैनेजेबल लेवल है जिसमें कोई मुश्किल नहीं है, रोजा रख सकते हैं तो रोजा रख लें, हाँ रोजा रख लें। लेकिन अगर ऐसी चीज है जो क्रिटिकल बात है और दूसरे भी यानी को एलिमेंट्स, दूसरी बीमारियां हैं और वो बीमारियां भी है साथ में, ये भी है, डायबिटीज भी है, तो डॉक्टर और एक्सपर्ट्स इसका फैसला देंगे कि वो रोजा रख सकते हैं, उनके लिए नुकसान है नहीं है। अगर डॉक्टर ने कहा नुकसान है, अगर तकलीफ भी है और नुकसान भी है तो उनके लिए तो हराम है, उनको नहीं रखना चाहिए जी। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो रख रहे हैं और उनके लिए तकलीफ है लेकिन नुकसान नहीं है, तो वो रोजा रख ले तो रखने दीजिए, उनके लिए जायज है, वो रख सकते हैं इंशाल्लाह। हाँ, दो चीजों में फर्क करिए, तकलीफ होना और नुकसान होना। हाँ नुकसान, ठीक है। ला इल्मी में रोजा छूट गया हो तो इल्म आने के बाद क्या कफारा और रोजा दोनों करना होगा या सिर्फ रोजा रखना होगा? देखिए अगर ला इल्मी में छूटा है तो उसका कफारा तो करना है, सॉरी उसका कजा तो करना है। कफारा यानी पेनल्टी, पेनल्टी जो है वो नहीं है, वो नहीं है। अगर ला इल्मी में किसी ने किया तो रोजा तो टूट गया ना, तो रोजा तो रखना है इंशाल्लाह, और रोजे वो जितने साल के बाकी है उनके पूरा करें इंशाल्लाह। लेकिन कोई इस्लाम में नहीं था तो फिर इस्लाम में आने के बाद पिछले रोजे नहीं करना है, वो इस्लाम में आया है तो अभी फ्रेश मामला है। अगर कोई वाटर सप्लाई की बिजनेस करता है और हर शॉप पे सप्लाई करता है, तो क्या साल भर की तरह रमजान के महीने में भी वो वाटर सप्लाई का बिजनेस कर सकता है? वो बिजनेस कर सकता है, क्योंकि वाटर सप्लाई का बिजनेस करने से उसका रोजा कैसे टूटेगा? बिल्कुल नहीं टूटेगा, वाटर सप्लाई कर रहा है ना, करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इसमें कोई तकलीफ नहीं है। कैसे उसके रोजे से इंटरफेयर कर रहा है, मुझे ये बात नहीं समझ में आई। अगर कोई चीज दूसरों को पानी देगा, शायद दूसरों को पानी देगा, पानी बेच रहा है इसके लिए, वो जिसे पानी देगा वो सामने वाला पानी पिएगा। अच्छा अभी समझ में आया, कहने के वो जिन्हें पानी दे रहे हैं वो पानी दिन में पी रहे हैं, ऐसा नहीं? अब इन्हें, इनकी जिम्मेदारी पानी देने तक थी, अब पानी मिलने के बाद सामने वाला क्या करे, वो जासूसी भी हम नहीं करेंगे, वो उनके अल्लाह के बीच की बात है अगर वो मुस्लिम है तो, और अगर नॉन मुस्लिम है तो मामला ही अलग है, उनके लिए तो फर्ज भी नहीं है, मतलब मुस्लिम की बात है। और कोई हो सकता है मुस्लिम है बीमार है और हम देख रहे हैं कि ये पानी पी रहे हैं, हो सकता है वो बीमार है, अल्लाह ने उस बेस्ट, उसका मामला उसके और अल्लाह के बीच की बात है। आप पानी सप्लाई कर रहे हो, पानी सप्लाई करो, और बाकी वो कौन कब पीता है वो उसकी बात है जी। फजर से पहले यानी फजर तक खा सकते हैं, ये सवाल में जवाब दे चुका हूँ सेहत का। नेक्स्ट, अगर रोजे में ब्लड डोनेट करना अर्जेंट हो तो क्या करें? हाँ अर्जेंट हो ब्लड डोनेट करना तो क्या करें? ये सवाल का जवाब शकील भाई मैं नेक्स्ट टाइम दूंगा, जरा इसको पेंडिंग में रखिए प्लीज। फिदिये का मतलब क्या होता है? मैंने अभी बताया कि रोजे के बदले में जो पैसे देते हैं, रोजे के बदले में एक है कजा यानी रोजा रख लिए, एक होता है रोजे के बदले में आपने एक गरीब को खाना खिलाया। जैसे अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत बुजुर्ग हो गए थे, जब बहुत बूढ़े हो गए थे तब उन्होंने वो रोजा नहीं रख पाते थे, तो वो एक साथ में 30 गरीबों को बुलाते, अच्छा बेहतरीन खाना बनाते, उनको पेट भर के खाना खिलाते और ये उनका कफारा हो जाता, तो ये उनका फिदिया हो गया। फिदिया क्या है? रोजे के बदले में खाना खिलाना, रोजे के बदले में खाना खिलाना, ये क्या है? फिदिया है। ठीक है, प्रेग्नेंट औरत फीडिंग भी दे और कजा भी रोजे रखे, नहीं फिदिया भी दे और कजा, अगर कोई प्रेग्नेंट औरत है वो कह रही नहीं मैं कजा कर लूंगी,
कंसेशन है फिदिया देने का, लेकिन वो कहे वो मुझे कंसेशन नहीं चाहिए, मैं कजा कर लूंगी, तो कजा कर लें इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं, कजा कर लें। सुबह सादिक कैसे पहचानेंगे? सुबह सादिक यानी डॉन, जो डॉन जो होता है सुबह सादिक का टाइम, अगर आप सलातुक या सलातुक ये एंड्रॉइड में ऐप है या इस्लाम 360 ये सब एप्स में देखें इंशाल्लाह, सला टाइमिंग में आपको सुबह सादिक पता चलेगा जो डॉन का टाइम। हाँ, तो कैसे पता चलेगा? एक्चुअली हम लोग जो शहर वाले लोग हैं ना, वो ट्रेंड नहीं है, नहीं तो सही बात क्या है कि एक वाइट लाइट होती है, एक वाइट लाइट होती है जो हॉरिजॉन्टल होती है, और जो कहां पे आती है, होराइजन पर, जहां पे जमीन और आसमान मिलते हैं, वहां एक सफेद रोशनी, फ्लैट सफेद रोशनी आती है, उसे सुबह सादिक कहते हैं। और उस पहले एक फॉल्स डॉन होता है, यानी सुबह काजिब, यानी कि जब डॉन नहीं हुआ होता है, सुबह नहीं हुई होती, सुबह सादिक डॉन का वक्त कब होता है? यहाँ पे एक सफेद लाइट दिखाई देती है, फ्लैट सोई हुई लाइट, हाँ, यानी हॉरिजॉन्टल नॉट वर्टिकल, जो डॉन जो कहां पे होराइजन पे दिखाई देती है, जहां जमीन और आसमान मिलते हैं वहां पे एक स्लीपिंग लाइन दिखाई देती है, तो ये डॉन है और हम लोगों को देखना चाहिए। और डॉन पर वहां तक सहरी का वक्त होता है, जब डॉन हो गया तब सहरी का वक्त खत्म हो जाता है। ओके इंशाल्लाह। ओके, सहरी में बरकत है का मतलब क्या है? बरकत का मतलब क्या है ना, कम में ज्यादा का फायदा, कम में ज्यादा का बेनिफिट। जैसे मिसाल के तौर पर, मिसाल के तौर पर दो पहलवान है, लेकिन वो 10 से भारी है, हा? और 10 लोग नॉर्मल दुबले पतले लोग हैं, तो वो दो है, नंबर में कम है लेकिन वो 10 से भारी है। ओके, तो बरकत का मतलब वो कम में भी ज्यादा का फायदा है, उसमें दुनिया आखिर दोनों की भलाई है, वो हमें हासिल करनी चाहिए। बरकत वाली चीजें हमेशा हासिल करनी चाहिए, जिस चीज में खैर और बरकत है। जैसे मिसाल के तौर पे सहरी में बरकत है, जैसे मिसाल के तौर पे खाना खा लेते हैं ना, तो लास्ट में जो फिंगर्स पे लगा होता है और प्लेट में जो सालन और खाना थोड़ा बचा होता है, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लिख करो, तुम्हें पता नहीं किस हिस्से में बरकत है, यानी कि इशारा है इसमें शायद बरकत है। तो बरकत जहां पे हो ना वो हासिल करना चाहिए। ओके, क्या लेट से करना बेहतर है? क्या सहरी लेट करना बेहतर है, इफ्तार जल्दी करना बेहतर है? आपने कहा था क्लास में 50 आयात पढ़ने तक का वक्त है, जरा फिर से बोलिए। देखिए वो जो हदीस है उसके अंदर किस चीज का वक्त, खाना खत्म किए और जो नमाज के लिए खड़े हुए, इसकी शरह में बताया जाता है कि जो फजर की नमाज के लिए खड़े हुए, फर्ज नमाज, उसके बीच में क्या गैप था, 50 आयतों का गैप था। फिर भी इस बारे में मैं जरा कमेंट्री कुछ कम करूंगा, ये एक सेकंड पेंडिंग सवाल है इंशाल्लाह। ठीक है, क्लास एंड हो गई क्या? ऑफकोर्स एंड हो गई है, हाँ एंड हो गई है जी, आप जा भी सकते हैं, ये सब एक्स्ट्रा कुछ सवाल आते हैं हम देख रहे हैं। रोज मैं और या बख्तूर जला सकते हैं रोजे में? हाँ, रोजे में आप इत्र लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बख्तूर लगा सकते हैं, जला सकते हैं, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, वालिदैन के इंतकाल के बाद फिदिया देना होगा? जी हाँ, होना देना होगा, एज गुड केयरिंग बच्चे माँ बाप की फिक्र करें तो एक अच्छी चीज ये कर सकते हैं, अगर माँ बाप के बच्चे के रोजे बाकी हैं तो वो रोजों का फिदिया दे दीजिए इंशाल्लाह, उतने मिस्कीनों को खाना खिला दीजिए इंशाल्लाह, हाँ ठीक है, और बल्कि उनके विरासत तकसीम करने से पहले उनकी प्रॉपर्टी से दे देंगे, और अगर उनकी प्रॉपर्टी ऑलरेडी तकसीम हो गई आप अपनी तरफ से कर सकते हैं, गिफ्ट है आपके माँ बाप के लिए। ठीक है, क्या शवाल के रोजे के हैज के रोजे की कजा कर सकते हैं? देखिए हैज के रोजे, हैज के रोजे, शवाल के रोजे जो रोजे हैं ना, रोजे सपोज करे कोई बोले कि मैं रमजान के रोजे भी रख रहा हूँ, कजा के रोजे भी रख रहा हूँ, तो वैसा नहीं है। जो कजा के रोजे फर्ज रोजे होते हैं ना, उसमें नियत कंबाइन नहीं होती, याद रखिए इस बात। ओके इंशाल्लाह, वो कजा है तो कजा है, शवाल के नहीं, शवाल के हैं तो कजा नहीं, दोनों पॉसिबिलिटी, आप शवाल के रोजे भी रख सकते हैं, कजा भी कर सकते हैं। जैसे आयशा रदिल्लाहु अन्हा उनके कजा के रोजे जो होते हैं वो कब पूरा करती हैं, हदीस में अल्फाज आते हैं कि वो अगले साल की शाबान में पूरा करती है, जो अगले साल की शाबान, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो शव्वाल वगैरह रोजे नहीं रखती। हाँ जी ठीक है,
चलिए वक्त ज्यादा हो गया, हम लोग फिनिश करते हैं आज की क्लास यहीं यहां तक इंशाल्लाह। अगली बार हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, दो सवाल मैंने पेंडिंग रखा है और बाकी इंशाल्लाह सवालात हम बाद में। दूसरा सवाल कौन सा था? सॉरी, दूसरा सवाल एक ब्लड डोनेशन के ताल्लुक से था, एक वो 50 आयतों के ज्ञान। सर मेरा एक क्वेश्चन था जी। सर मेंसेस के हालत में हम कुरान पढ़ते हैं, कुरान पढ़ सकते हैं क्या रमजान में, क्या उसका सवाब हमें मिलेगा? जी, मेंसेस के हालत में कुरान पढ़ने के मुतालिक देखिए आपको मैं बता दूं, कुरान पढ़ने में एक मसला ये है कि क्या कुरान को टच कर सकते हैं, एक मसला है कि क्या कुरान को पढ़ सकते हैं, और ये दो अलग मसाइल है और इस बारे में उलमा में इख्तलाफ है। ज्यादा स्ट्रॉन्ग बात आप शेख किफायतुल्लाह सनावली की एक वीडियो है आई प्लस टीवी में हैज की हालत में कि क्या क्या औरतें कुरान पढ़ सकती हैं, तो उन्होंने दलाइल उसके एक्सप्लेन किया है और दलाइल की रोशनी में ये बात ज्यादा मजबूत है। जो शेख अल्बानी रहमहुल्लाह जो बड़े स्कॉलर गुजरे हैं उनका भी ये व्यू है और उन्होंने भी दलाइल दिए हैं कि वो रोजा वो रमजा वो हैज की हालत में भी कुरान पढ़ सकती है, पढ़ सकती मोबाइल ऐप मोबाइल ऐप। और बिलाल फिलिप्स की अगर आप देखें तो उन्होंने भी इस टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मैं जानता हूँ कॉन्ट्रोवर्शियल है, लेकिन मैं वो लोग जो इस बात के अंदर सुनकर नाराज हो जाते हैं उनसे कहते हैं जरा आप दलाइल का जायजा लीजिए एक बार इंशाल्लाह, और थोड़ा सा सोचिए और कम से कम थोड़ी सी टॉलरेंस रखिए। ना अगर आप इस व्यू के नहीं भी हैं तो भी थोड़ी सी टॉलरेंस रखिए, क्योंकि दलाइल की ही रोशनी में शेख अल्बानी और बड़े बड़े स्कॉलर्स ने जो कहा है बाज हाँ, तो उनकी बात भी अपनी दलील की रोशनी में है। जज़ाकअल्लाह खैर, मेरे ख्याल से वक्त खत्म हो चुका है तो हम कंटिन्यू करेंगे। एक सवाल करना प्लीज, ये आखिरी सवाल है जी। हाँ शेख, ऐसा है ना कि मतलब मोस्टली ऐसा है कि शैतान हमारे जहनों में और हर जगह से हमको घेरा हुआ है, राइट? सो व्हेन वी कीप द फास्टिंग तो दैट टाइम इट हैपेंस सो कि दांत में ऐसा कुछ मतलब अटक जाता है ना खाने के वक्त। हम लोग ने ब्रश वगैरह भी किए बट अल्टीमेटली कभी ऐसा हो जाता है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स रह जाते हैं माउथ के अंदर, राइट? सो व्हाइल प्रेइंग और व्हाइल इन द फास्टिंग वो रहने की वजह से ऐसा हो सकता है कि सलाइवा के थ्रू दे हैव बीन गल्प्ड डाउन द थ्रोट तो हमारा रोजा टूट जाएगा क्या, मतलब अनइंटेंशनली नॉट इंटेंशनली? देखिए कैसा है मामला कि मान लो कि कुछ दांत में रह गया था, तो पहले अगर रह गया है तो फ्लॉसिंग वगैरह भी करके निकाल सकता है इंशाल्लाह, ब्रश करना फ्लॉसिंग करना, लेकिन वो निकल के आ गया माउथ में, मालूम पड़ गया तो निकाल लो बाहर, लेकिन बाय मिस्टेक गल्प डाउन हो गया तो फिर रोजा नहीं टूटता है, डेफिनेटली नहीं टूटता है। नहीं, ऐसे जाना दूर की बात, कोई पर्सन भूल गया कि वो रोजे से है और खाना खा ले अच्छे से तो वो खाना खा के भी रोजा नहीं टूटता, उसकी हदीस आप नेक्स्ट टाइम देखने वाले। और जैसे कि हम लोग रुकू के अंदर गए और फिर वैसे ही मतलब वॉमिट जैसा हुआ एंड इट केम बैक टू अवर थ्रोट विदाउट वी इंटेंशनिंग इट, तो वहां पे भी हो जाएगा क्या, टूट जाएगा? नमाज की बात है ना अभी, रोजे की बात है। नमाज और रोजा दोनों है। अच्छा, तो देखिए माउथ में आ गया है ना तो उसको कर्चिफ वगैरह में कोई चीज में निकाल ले, अब उसको जानबूझ के गल्प डाउन ना करे, जानबूझ के गल्प डाउन, एक्सीडेंटल हो जाए तो अलग बात, जानबूझ के ना खा ले। ठीक है, यहीं पे खत्म करते हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहमदिका वअशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका वअतूबु इलैक वआखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।